अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम हैदर एंड असदुल्ला, थैंक यू फॉर बीइंग बैक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अगेन। ज़िशान भाई, सुपर हिट आपकी सारी वीडियोस माशाल्लाह से गई हैं, न्यू राइजिंग स्टार ऑफ द ईओन चैनल माशाल्लाह से। ईओन चैनल मुझे नहीं कहना चाहिए बिकॉज आपकी अपनी ज़ात है जिसको व्यूज़ मिले, बट सर ये अल्लाह की ज़ात है, वो जब इज़्ज़त देना चाहती है वो दे देती है, वह तो इज़्ज़ु मंतशा वह तो ज़िल्लु मंतशा, और हम सिर्फ शुक्र अदा कर सकते हैं जो अल्लाह ने दिया उसके ऊपर। बेशक आपकी सक्सेस से ना मुझे एक चीज़ जो फील हुई है ये है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जिनको अपने पेरेंट्स से सख्त गिला है, यानी कि काफ़ी नाराज़ हैं लोग, लगता है। आई थिंक जो क्लिप सबसे ज़्यादा वायरल हो रही थी वो पेरेंट्स और बच्चों का आपस में रिलेशनशिप था, पर एक ओवर आर्किंग चीज़ थी जो हमेशा हमारे कमेंट्स मिक्स बैग होते हैं, कुछ लोग स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं कमेंट्स में, और लेकिन एक चीज़ हमें नज़र आ रही थी कि हमारे पूरे माशरे के अंदर बहुत सारी गुफ्तगू होती हैं, मईशी हालात किस तरह बेहतर करने हैं, तरक्की किस तरह करनी है, इवन क्या कहते हैं रिलीजियस टॉलरेंस किस तरह इंक्रीज़ करनी है, फ़िरका परस्ती किस तरह काम करनी है, लेकिन जो इंसान का बेस है उसकी अक्ल, उसकी दिफा की बात नहीं होती। देखें मेरे ख्याल है हमारे बचपन से लेके अभी तक चिकन का जायका चेंज हो चुका है। लाइक मुझे बड़ा डिस्टिंक्टली याद है अपने बचपन में कि चिकन इतना फूला हुआ नहीं होता था, जो मुर्गियाँ फेंती थी वो बोटियाँ इतनी बड़ी नहीं होती थी, स्टेरॉइड्स उसको नहीं लगाए जाते थे ना, वो डंट नहीं निकाल के आई। अब ऐसे हो तो नहीं सकता कि लाइक मुख्तलिफ केमिकल्स और स्टेरॉइड से भरी हुई चीज़ मैं खा रहा हूँ, उसका मेरे नर्वस सिस्टम पर और मेरे हार्मोनल सिस्टम पर कोई अफेक्ट नहीं आ रहा। बिल्कुल है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम मसलन के एक जो बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक आता है जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं कि हमारे वालदैन कहते हैं ये होती क्या है, इज़ बिकॉज वो उस टर्मोइल के थ्रू गुजरी नहीं है जो न्यू डे एन एज में हम गुजरे हैं, चाहे वो हमारा खाना है, चाहे इस वक्त का जो पोल्यूशन है, जो अभी हम सबको पता है कि 10 दिन में लाहौर में स्मॉग सेटन कर जाएगी, और सर्दी का परमानेंट फीचर है वो कि सब खंग रहे हैं। इवन के जो मोबाइल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वो स्क्रीन को 4-4, 5-5, 6-6 घंटे देख रहे हैं, एंडोर्फिन हिट्स दे रही है। इवेंचुअली जो एक मैस मेंटल ब्रेकडाउन माशरे में हो रहा है, वो चाहे आप अपनी सियासत में देख लें, चाहे अपने ड्रामों में देख लें, चाहे रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख लें, ये जो बेस चीज़ है इंसान की अकल, इसकी दिफा की बात कोई नहीं कर रहा। सर थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और मैंने तो शायद ज़िंदगी के आखिरी 14 साल इसमें गुजारे हैं, पढ़ाने में और दूसरी तरफ ये रिसर्च करने में कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसके अंदर कितने फैक्टर्स ऐड अप करते हैं और वो कितना डीप जाके एक छोटी सी चीज़ इंसान को अफेक्ट करती है और उसका बिहेवियर उससे कैसे अफेक्ट होता है। और बेसिकली ये सारा इशू है मेंटल हेल्थ का, और मेंटल हेल्थ बिल्कुल उसका पहला फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर फूड है, फिज़िकल हेल्थ बहुत बड़ा फैक्टर है, फाइनेंशियल प्रेशर्स बहुत बड़ा फैक्टर है, आपकी इन्वायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है जी, आपका लोगों के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर है, आपके ख़ानदान में रिलेशनशिप्स कैसे हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और इवन हैप्पीनेस का इतना सवाल पूछा जाता है कि जी हैप्पी कैसे रह सकते हैं, तो पूरी आई थिंक 60 साल की गालबन स्टडी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को उठाया और उनकी पूरी जिंदगियां देखी, कुछ मर भी गए उस दौरान उस रिसर्च में, और देखा ये कि सबसे हेल्दी और हैप्पी लोग वो रहे जिनके रिलेशनशिप सबसे अच्छे थे, पैसे भी नॉर्मली उन्होंने सबसे ज़्यादा कमाए जिनके रिलेशनशिप सबसे अच्छे थे। अच्छा, दूसरी तरफ फूड में तो आजकल आपको पता है कि किस लेवल के ऊपर क्या कुछ डाला। आपने चिकन की बात की है, तो चिकन को जो फीड खिलाई जाती है उसके अंदर जो कुछ डाला जाता है वो सिर्फ हार्मोन्स नहीं है, वो सिर्फ गंद है, अगर मैं ओपनली कह सकूं। जी क्या है, एक्चुअली फीड में 70% सोयाबीन होनी चाहिए, वो सोयाबीन के अलावा उसके अंदर जो वेस्ट होता है जो फीड का, जो ऑलरेडी मुर्गी का वेस्ट होता है, बाज़ दफ़ा पैसे बचाने के लिए वो भी मिक्स कर दिया जाता है। तो अच्छा। पाकिस्तान में बहुत कम परसेंटेज है ऐसी फैक्ट्रीज़ की जो फीड बनाती हैं जो कि एक्चुअली सही फीड बनाती हैं। तो एक मुर्गी को जब खाना ही गलत गया वो भूल गई, आपने वही मुर्गी खाई। औरतों के अंदर जितने हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह चिकन की फीड है। इवन अब तो और लाइवस्टॉक के अंदर भी इस चीज़ को करना शुरू कर दिया कि भैंस से दूध ज़्यादा लेना है तो भी अगर सुपर वंडा खिला दो, हाँ जी, मोटा करना है तब भी। तो ये तो फूड एक फैक्टर है, उसके बाद एनवायरनमेंट है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपका परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड है, आपका अपने माँ बाप के साथ कैसा रिलेशनशिप था, आपका बहन भाइयों के साथ कैसा था, आपने घर में लड़ाइयाँ देखी या नहीं देखी, आपके वालिद साहब ऊंचा चीख के बोलते थे, आपकी वालदा चीख के बोलती थी या नहीं बोलती थी। मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, और जब मैं, क्योंकि प्रोसेस मेरा ये होता है कि मैं पहले अगर किसी को वन ऑन वन करता हूँ कोच, तो उससे मैं एक घंटा एक डिस्कवरी सेशन रखता हूँ कि पता चले कि आपका चैलेंज है क्या। उस जब आपको वहाँ पे स्टोरी पता चलती है, और इसमें मैं सॉरी इसके बीच में एक बात डाल रहा हूँ, मेरे पास आज तक कोई ऐसी या कम ही ऐसी कोई फीमेल क्लाइंट आई हैं जिनके साथ हरासमेंट नहीं हुई। एक छोटी सी बच्ची थी वो, या वो उनकी एज ज़्यादा हो चुकी थी, या किसी भी एज पे हम इस कदर आई डोंट नो क्या कहना चाहिए कि कैसे मुआशरे में आज रहते हैं कि कम ही कोई औरत है जिसने हरासमेंट नहीं देखी। अच्छी बात है, अब इसके बारे में ओपनली बात होती है, लेकिन उनसे सवाल ये पूछो कि क्या आपने किसी को बताया, तो दुख की बात यह उन्होंने किसी को नहीं बताया। अगली दुख की बात यह है कि अगर किसी को बताया तो उनको चुप करा दिया गया। अब ये ट्रॉमा इस इंडिविजुअल के साथ सारी ज़िंदगी रहेगा। जब आप मर्द क्लाइंट्स की बात करते हैं, अगर मैं ये बड़ी पर्सनल बातें आपको इस तरह बता रहा हूँ कि ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ डील करके बातें कर रहा हूँ। जब आप किसी मर्द के साथ बात करते हैं तो उसकी पता ये चलता है कि उसकी आंख खुली ही एक प्रेशर में थी। जब वो पैदा होता है तो उससे क्या करना होता है, माँ का ख्याल रखना होता है, पहले दिन माँ का। दूसरा, मर्द को इस माशरे में रोना अलाउड नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो सकते थे, मौला अली की रो के दाढ़ी भीग जाती थी, लेकिन हमारे माशरे के मर्द को रोना अलाउड नहीं है। और फैक्ट ये है कि मर्द इमोशनली वीक होता है और औरत मर्द फिज़िकली स्ट्रांग होता है, औरत फिज़िकली वीक होती है और इमोशनली स्ट्रांग होती है। अब मर्द अपनी ज़ात में एक इमोशनली वीक क्रिएचर है नेचुरली, यानी जो स्ट्रेंथ औरत के पास है वो स्ट्रेंथ इमोशनल मर्द के पास नहीं है। मैं कितने ऐसे इंसिडेंट्स देख चुका हूँ कि अगर, और कभी किसी के साथ ये ना हो मेरे मुंह में खाक, लेकिन अगर माँ बाप अपनी औलाद लूज़ करे ना सर, तो माँ को फिर सब्र आ जाता है, बाप को सब्र नहीं आता। बड़ा मुश्किल होता है मर्द को उसके साथ डील करना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसको फिज़िकली स्ट्रांग बनाया है, इमोशनली वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन हमारे माशरे में क्या किया जाता है, उसको कहा जाता है बचपन में ही रोना नहीं है, मर्द होकर रो रहे हो। ये कहाँ लिखा है कि मर्द रो नहीं सकता? वो क्या करता है, शुरू से अपने सारे इमोशंस को क्या करना शुरू कर देता है, सप्रेस करना शुरू कर। अब वो सप्रेस, और उसको एक ख़ास एज तक पता ही नहीं होता, बल्कि एक, मैं कहता हूँ, बुढ़ापे तक बाज़ दफ़ा पता नहीं होता कि मैंने इनको डील कैसे करना है। ठीक है, वो टीनेज में आता है तो तुमने बहन को प्रोटेक्ट करना है, तुमने माँ का ख्याल रखना है, बाप उसको अलग दे रहा है कि तुम करियर पर फोकस नहीं कर रहे, और उसके अंदर एक इमोशंस है। उसी दौरान उसको किसी एज पर मोहब्बत जैसा वाकया भी उसके साथ पेश आ सकता है। अगर वो आ गया तो अब वो उसको भी डील कर रहा है। फिर जो मर्द इन सारी चीज़ों को फिर डील कर रहा होता है, और फिर वो 22-23 साल की उम्र में पैसे कमाने की एक प्रेशर में होता है। वो 17-18 साल से सोचा होता है कि अगर मेरी यूनिवर्सिटी ठीक ना हुई तो मैं पैसे नहीं कमाऊँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि उसको लिंक किया हुआ है कि तुम पैसे कमाओगे तो तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी कोई औकात है, वरना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और इस माशरे ने मर्द की इज्जत को टोटल पैसे के साथ लिंक कर दिया, टोटल, यानी उसकी कुल वैल्यू माल है, उसका बैंक बैलेंस है। ठीक है, सॉरी, कुछ लोग इसको माइंड करेंगे, बट अगर बाप खर्चे पूरे ना कर पाए तो जो हम उसके साथ करते हैं वो हम सबको पता है। ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं, उनको, जिनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो वो अपने बाप को उसके लिए डायरेक्टली ब्लेम करते हैं विदाउट थिंकिंग कि बाप का सिर्फ ये काम नहीं था। बाप वो छत भी है, वो हम पंजाबी में कहते हैं कि प्यो मंजी ते भी पिया होया ते प्यो ही हुंदा, लेकिन हमने उस चीज़ को निकाल दिया, उसकी एक यूटिलाइजेशन रख दी। हम बाप, और जब बाप फाइनेंशियली ठीक नहीं होता तो उसको घर में कोई इज्जत नहीं दे रहा होता, उससे कोई मशवरा नहीं ले रहा होता, उससे हर चीज़ का फैसला ले लिया जाता है। अब ये फियर इस लड़के में आ चुका है। अब जब इस लड़के में ये फियर आ चुका है तो आपको क्या लगता है कि वो क्या करेगा? वो फियर बेस्ड डिसीजंस लेगा, और वो अपने इमोशंस को दबा चुका है, और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ना स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है, वो है नहीं। ये मर्द का मैकेनिज्म दिमाग का ये होता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा, अपने अराउंड एक खौल बना लेगा और एक खास तरीके से रोब दबदबा की चीज बनाएगा। माशरे में देखा यह है कि जिसका इस तरह का रोब दबदबा होता है उसकी इज्जत होती है, तो वो उसको फेक आउट या उस तरह का बनने की किसी सेंस में कोशिश करता है। और इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है। कुछ लड़कों को बचपन में इतना मारा जाता है कि उसका ट्रॉमा उनमें से निकलता ही नहीं है। बाप का दिल किया, जब दिल किया माँ ने भी मार दिया, बाप ने भी मार दिया। जब दिल किया वो प्यारा नहीं था, या वो फॉर एग्जांपल उसके पास जेब में पैसे नहीं थे, उसको जो जहान का ताना मारना चाहा आपने मार दिया। अब वो इसको पीता रहा है क्योंकि उसको रोने की इजाज़त नहीं है। वो माँ के पास जाके रोएगा तो भी उन्होंने कहेंगे जवान हो गया तो रोंदा पे, ठीक है। वो बहन के पास जाके रो ही नहीं सकता कि कहीं मेरी बहन वीक ना हो जाए। उसके माँ बाप मर जाए ना सर मर्द के, तो उसको उस दिन भी रोने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि उस दिन भी उसने अपनी फैमिली को संभालना होता है कि मैंने अगर हौसला लूज़ किया तो किसी और का हौसला लूज़ ना हो जाए। अगर मैं रोना शुरू हो गया तो कहीं मेरी माँ ज़्यादा दुखी ना हो जाए। तो वो अपने इमोशंस को सिर्फ दबाता है, और बाद में एक इंसान नहीं है इस माशरे का जो उसको जाके पूछे यार तुम्हें तकलीफ़ तो नहीं हुई। मुझे बता दें कि पाकिस्तान के अंदर कितने मर्दों को किसी तकलीफ़ सहने के बाद कभी जाके 2-4 दिन बाद, महीने के बाद कोई पूछता भी है कि यार तुम्हें दर्द तो नहीं हो रही, तुम्हें इंटरनली तकलीफ़ तो नहीं हो रही, तो क्या ये पेन नहीं है? अब ये पेन सप्रेस हो गई है। एक बचपन की पेन सप्रेस हो गई है, एक इमोशनल पेन सप्रेस हो गई है, एक फाइनेंशियल पेन सप्रेस हो गई है। अब इस पेन ज़दा इंसान से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक खुश मिजाज, मोहब्बत करने वाला, बड़ा पोलाइट, बड़ा शफीक इंसान हो। उससे ये हो नहीं पाएगा। मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ वो दे सकता है जो उसके पास है। मेरे पास अगर अंदर मोहब्बत नहीं है, मैं आपको मोहब्बत नहीं दे सकता। मेरे पास अगर तकलीफ़ है तो मैं सिर्फ आपको तकलीफ दूंगा। जिसके पास माल होता है वो किसी की माल से मदद कर सकता है, जिसके पास इल्म होता है वो किसी की इल्म से मदद कर सकता है। जो चीज़ इंसान के पास है ही नहीं वो किसी और को दे ही नहीं सकता। तो अब पहला फ़लसफ़ा ये है कि पहले अपने आप को भरें, या पहले जो अंदर नेगेटिविटी और ये नेगेटिव इमोशंस आपने सप्रेस कर लिए हैं वो निकालें। आप उस मर्द से कहते हैं बिल्कुल, और मर्द का काम है कि वो फैमिली को लीड भी करता है, और लीडर का मतलब बिल्कुल बॉस नहीं होता, प्लीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दूँ। वो लीड करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। अगर आपका लीडर और प्रोटेक्टर तकलीफ़ से भरा हुआ है तो आपको क्या लग रहा है कि वो अपने मातहत लोग जो लोग हैं या जिनका उसने ख्याल रखना है उनके लिए क्या करेगा? कहीं ना कहीं उनको तकलीफ़ दे देगा। मर्द अपने मसाइल से बाहर नहीं निकला अभी तक, उसने अपने आप को डील ही नहीं किया, उसने पेन सप्रेस की हुई है, उस पर जिम्मेदारियों का आपने बोझ डाल दिया है। यहाँ पे ऐसे लड़के, मैं यूटी में पढ़ता था कि वो इसलिए पढ़ते थे सारा दिन और कुछ नहीं करते थे, और कि अगर हम पढ़े नाना तो हमारी बहन की शादी नहीं होगी, अगर हम पढ़े नाना। मैं एक घर गया एक दोस्त के, उसने मुझे कोक पिलाई। कौन सी कोक सर? कोका कोला सर, पेप्सी। ठीक है, उसने मुझे पेप्सी पिलाई और वो बिल्कुल नई बोतल उसने खोली, और उसने कहा कि महीने से हमारे घर में खुली नहीं है, ये सिर्फ मेहमान नहीं खोल सकते, उनके लिए खुलती है। और वो ये सोचता था कि अगर मैं ना पढ़ा और इंजीनियर ना बना तो क्या करूँगा, ना मेरी बहन की शादी होगी, ना हमारी ज़िंदगी कभी बदलेगी, हम इसी के अंदर रहेंगे। अब ये लड़का उस वक्त 19 साल का था, यानी फर्स्ट ईयर में था, बिल्कुल आप समझ लो तालीम का सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर का एंड था गालबन, ठीक है, अगर मुझे करेक्टली याद है। ये फर्स्ट ईयर का बच्चा है, कितनी क्या है उम्र है, उसको बहुत अकल आ गई है, उसने 100 गम दुबाए में। फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से उसके माँ बाप भी लड़े हैं, एक उसको फाइनेंस का स्ट्रेस है, एक माँ बाप का रिलेशनशिप स्ट्रेस है, एक बहन का स्ट्रेस है, एक अपना स्ट्रेस है, ठीक हो गया। और जब आप इस माशरे में गरीब होते हो तो बुली तो आ ही जाते हैं, आपको बुली कर रहे हैं, तो वो बाहर वो सारी बुलीज़म भी फेस कर रहा है। सड़क पे भी मोटरसाइकिल वाले को वो इज्जत कभी भी नहीं है माशरा देता जो एक गाड़ी वाले को देता है। तो एक मर्द क्या ये देखता नहीं है कि यार मैं भी बड़ी गाड़ी लूँगा तो मेरी भी इज्जत होगी? बिल्कुल। क्या एक बेटी की शादी जब होती है तो बाप की इज्जत इसमें नहीं होती कि उसने कितना माल लगा दिया है? तो आपने मर्द की आइडेंटिटी को, जिन चीज़ों के साथ अटैच किया है, पहले तो उससे अटैच करना आप कोर में बंद करें तो आप एक अच्छा मर्द परवान चढ़ाएंगे या कंप्लीट मर्द, अच्छा गलत वर्ड होगा बट एक कंप्लीट मर्द। बहुत अच्छे इंसान होते हैं लेकिन उनकी तकलीफ़ उनके अंदर इतनी ज़्यादा होती है और उनको डील करने की समझ ही नहीं आती, तो वो कहीं ना कहीं किसी को तकलीफ़ दे देते हैं। ज़िशान भाई, एक चीज़ जो आप क्या कहते हैं माशरे में पिछले 15 साल से, लाइक मुझे याद है कि 1998 में मेरे एडसन में दाखिला हुआ था, हमारे वाल साहब का प्रॉपर्टी का काम था और मेरे ख्याल से एडसन में कोई और बच्चा नहीं था इसके वाल साहब प्रॉपर्टी का काम करते हों। हम लोग एक निसान सनी थी डीज़ल, उसमें स्कूल जाते थे और बाकी बच्चे भी नॉर्मल गाड़ियों में होते थे। बाय द टाइम हम ए लेवल्स में पहुँचे तो ये बात है सन 2006-7-8 की, तो माशरे के अंदर दिखावा बहुत ज़्यादा आ गया था। तब मैटर करना शुरू हो गया था कि आप किस गाड़ी में आते हैं। और हमारे को जूनियर्स थे, वो एक ही घर से 3 लोग आते थे, 3 रेंज रोवरों में। सही है कि दिखाना होता था कि हमारे पास माल दौलत ज़्यादा है। इस वक्त जितनी हम डिफेंस में और पूरे पाकिस्तान में ही क्रूज़रों के पीछे डाले देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो लोग गाड़ी चला रहे हैं वो ख़ुद एक इमोशनल टर्मोइल के थ्रू गुजर के उस कंक्लूजन में पहुंचे होते हैं। यानी कि नवाज़ शरीफ के अंदर भी एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ है जो कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से वो मैनिफेस्ट कर रहा है वो चीज़ें। उसको किसी ने एक दफ़ा कहा था, तेरे तो कुछ नहीं होना। मर्द की ना ईगो बड़ी फ्रेजाइल होती है, बड़ी ही शीशे की तरह की ईगो होती है और यूँ टूट जाती है। मैंने कहा ना इमोशनली वीक होता है, मर्द की ईगो होती है बड़ी फ्रेजाइल। मर्द ताने को सारी ज़िंदगी साथ लगा के रखता है, इवन बाप ने दिया हो तो साथ लगा के रखता है कि मैं करके बगावांगा। और उसको समझ नहीं आती कि मैं असल में अपनी ईगो को फीड करने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, मैं असल में सिर्फ इमोशनली डिस्टर्ब्ड हूँ, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वो ज़िंदगी लगा देगा ये प्रूव करने के लिए और उस गम में कि मेरे चाचे ने, मेरी बीवी ने, मेरे बच्चों ने, मेरी बहन ने, फलाने दोस्त ने, उस बंदे ने, मेरे बॉस ने मुझे ये कहा था। वो इस पेन को पीता रहता है, खाता रहता है, अपने आप को अंदर से खाली करता रहता है और बाहर से भरने की कोशिश में लग जाता है। उसका रिज़ल्ट यह है कि 60-65-70 साल की उम्र में वो एक डिप्रेस्ड इंसान होता है। ज़िशान भाई, ये जो आपने आइडेंटिफिकेशन की है कि मर्द का ईगो इतना फ्रेजाइल होता है, वो चीज़ें इतनी जोड़ता है, इस लाइट में जो प्राइवेट स्कूल्स और पब्लिक स्कूल्स में बुलिंग होती है वो तो फिर बंदे को निस्तो नाबूद ही कर देती है। कि मुझे याद है, और कोई फ़ख्र की बात नहीं है बल्कि दुख की बात है, जितना और तहकीक करते पता चलता है कितना नुकसान आपने शायद पहुंचाया हो। हम लोग जो स्कूल में थे हम तो रूथलेस थे एक दूसरे के साथ। मसलन कोई छोटा है उसकी बेइज्जती, कोई लंबा है उसकी बेइज्जती, कोई सांवला है उसकी बेइज्जती, कोई बहुत गोरा है उसकी बेइज्जती। और कहीं दफ़ा अब ख्याल आता है कुछ बातों का जो कुछ लोगों को कहीं होंगे यार कि वो अगर अब उन चीज़ों के बारे में सोचे उसके दिल में क्या होता होगा। सर इस पे एक मिसाल है और मुझे बड़ी हिट की थी। उन्होंने कहा जब आप किसी को ताना देते हैं या किसी को कोई ऐसी बुली करते हैं, कोई ऐसी बात कहते हैं, ये समंदर में पत्थर डालने के बराबर है। आपको नहीं पता वो कितनी गहरी गई है, आपको नहीं पता वो पत्थर समंदर में, जब आपने एक समंदर में पत्थर फेंका आपको नहीं पता वो कितना गहरा गया है। जब आपने किसी इंसान को ऐसी कोई बात कर दी आपको नहीं पता वो उसके कहाँ जाके कितनी गहराई में फिट होगी। इसलिए मैं माँ बाप को भी कहता हूँ कि औलाद को, पिछली दफ़ा भी कहा था, बैश मत करें, तू है ही फलाना, तू है ही ये, तेरे से होना ही नहीं। माँ बाप उनको अपलिफ्ट करेंगे तो वो अपलिफ्ट होंगे ना। सर बेटे को बाप, हम सब बाप भी हैं और हमारे वालिद भी हैं, ऐसा ही है। हैदर नहीं है, हैदर ने अभी शादी करनी है। ओ हैदर, अगर कोई व्यूअर देख रहे हो तो हैदर के लिए काइंडली, हैदर सर शर्मा रहे हैं, हैदर की आंखें नीचे हो गई हैं, हैदर अच्छी बात है, हैदर एडिट में ये काटेगा नहीं। ये आखिरी बार है कि ज़िशान साहब और पॉडकास्ट पे आएंगे। लेकिन हम बाप हैं दोनों और हमारे वालिद जिंदा हैं। लेकिन अगर बाप एक दफ़ा कह दे कि कोई नहीं कर लोगे तुम, तो सर आप बताने कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन कहाँ चली जाती है। बंदा शेर हो जाता है सर, शेर हो जाता है, चौड़ा हो गया। इसी तरह बाप कह दे तेरे तो कख नहीं होना, वो कितनी गहरी लगती है यार। मुझे बता दें, हम 3 मर्द बैठे, फील होता है और वो घूमती रहती है। और एक और बात है कि द फियर ऑफ फेलियर लीड्स टू फेलियर। जब आप किसी के अंदर ये डर इंस्टॉल कर देते हैं ना कि तुम फेल ना हो जाओ या तुम हो गए, अब उसमें ये डर इंस्टॉल हो गया, वो उसको लीड करता है। उसकी वजह वो नहीं होती, वो लोग होते हैं उसकी इन्वायरमेंट में जो उसको ऐसी बातें कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, अब ये मर्द है, अगली कहानी है कि ये 22, 23, 24, 25, 30 साल का हो गया, चलो जी पैसे भी कमा लिए जिस वजह से कमाए। मैं ये नहीं कह रहा पैसे कमाना कोई गलत बात है या अच्छी बात है, पैसे पैसे को मैं ना गलत में ना सही में इसके पर्पस पे डिफाइन करता हूँ। हवा की तरह ज़रूरत है आपको, राइट, उसके मुताबिक आपने कमाना। अगली चीज़ ये है, अब इसकी शादी होगी, ये इमैच्योर भी है, ये इमोशनली स्टेबल भी नहीं है, इसकी ईगो भी फ्रेजाइल है, ये अभी तक अंदर तो घुसा ही नहीं है, ये सारा कुछ बाहर तलाश कर रहा है, करियर, पैसा, गाड़ी, शादी, बीवी सब कुछ बाहर तलाश कर रहा है। अब इसके साथ एक और जिंदगी अटैच हो गई है। अच्छा, इस दूसरे इंसान को एक स्टोरी सुनाई जाती है, वो जो मैंने पिछली दफा कहा था ना, जो करना है मियाँ के साथ करना, ठीक हो गया, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद ही शादी है। जब बेटी पैदा होती है, बेटा जब तुम पैदा हुई थी ना, हमने तुम्हारा जहेज तब से छोड़ना शुरू कर दिया था, तो आपने उसकी अंदर इंस्टॉल कर दिया कि तुम्हारा कुल मकसद ज़िंदगी का क्या है, शादी है। अब ये भी कोई ठीक नहीं है इस वक्त मच्योर, लेकिन हाँ नेचुरली वुमेन आर मोर मच्योर देन मैन ऑफ द सेम एज। उसकी वजह मुझे एक तो बहुत क्लियरली समझ आती है कि उसने माँ बनना होता है और उसने एक नई नस्ल की तरबियत करनी, बायोलॉजिकल नीड होती है इसकी बॉडी में, राइट, तो एक तो वजह ये है। लेकिन अब होगी शादी सर, अब ये दो, वो कहते हैं ना इंडियन मूवीज में, टूटे हुए इंसान एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये भी इतना बड़ा झूठ है कि जो हमें ऑब्वियसली बॉलीवुड कंडीशनिंग से सिखाया गया है, यू कंप्लीट मी, दिस इज अ लाई, नोबडी कंप्लीट्स यू, यू वर बॉर्न कंप्लीट, कंप्लीट योर सेल्फ एंड गेट मैरिड टू अ कंप्लीट पर्सन। इफ यू आर ब्रोकन एंड यू मैरी अ ब्रोकन पर्सन, दैट्स अ ब्रोकन मैरिज एंड ब्रोकन किड्स, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। मुझे वो आके पूरा कर देगी और तुम मुझे पूरा करते हो, ये झूठी शायरी में जो हमने सारी बकवास सुनाई है ना, ठीक है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये सब झूठ है। समझने की बात ये है कि मर्द को अपनी जगह अपने आप को कंप्लीट करना है और औरत को अपनी जगह अपने आप को कंप्लीट करना है, और दो कंप्लीट इंसानों की शादी होगी तो आप एक कंप्लीट फैमिली, एक कंप्लीट माशरा, एक कंप्लीट औलाद, एक कंप्लीट पेरेंटिंग ये लेके चल पाएंगे, या कंप्लीट ना भी सही, होल या हारमोनियस, कि उसका एसेंस आपको समझ आएगा कि अल्लाह ने इन रिश्तों को डिफाइन किया क्यों था। अब हमारा दीन से ताल्लुक़ तो टूट गया, सारा फोकस कर दिया इनवर्ड, दीन का बहुत बड़ा फोकस कहाँ है, आउटवर्ड, और इनवर्ड और बाय आउटवर्ड जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, लेकिन असल मकसद यह है कि आप खुदा के साथ अपने कनेक्शन पे काम करें, राइट, वो इनवर्ड है ना मेहनत, इनवर्ड मेहनत तो हो नहीं रही। नमाज पढ़ ली, जो मैंने कहा था हमारा दीन, हम रिचुअल्स अदा करते हैं लेकिन डीपर चीज़ों के ऊपर जाते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे जाना अनकंफर्टेबल भी है ना। उसके अलावा आई थिंक एक और भी इशू ये है कि डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा अब आ चुकी हुई हैं कि एक बंदा अगर घर जाता है तो वो या वो नेटफ्लिक्स लगा लेगा या वो कोई यूट्यूब स्क्रॉल, डूम स्क्रॉलिंग जिसे कहते हैं, वो शुरू कर देगा। इवन एक दफ़ा पहले भी मैंने पॉडकास्ट पे बात की थी कि आप ट्रेडिशनली जो डाउन टाइम्स होते थे, लाइक कि आप चलो बाथरूम बैठे हुए हो, अब आप फोर्स्ड हो कि आपने कुछ देर और कुछ नहीं करना, आप बस वही कर रहे हो, उसमें भी अब फ़ोन के बगैर तो बाथरूम जाया ही नहीं जाता ना। सर मैंने अकाउंट किया था, मेरे वॉशरूम के अंदर 178 टाइल्स हैं, मैं फ़ोन नहीं लेके गया था। तो जब आप एक्चुअली फ़ोन नहीं लेके जाते हैं तो आप डिफरेंट चीज़ों पे फोकस करते हैं। असल में मैं अगर इस पर ऐड करूँ, ये बहुत वैलिड पॉइंट है जो आपने उठाया, दिस इज़ टू टेक आर अवेयरनेस अवे फ्रॉम अस, दिस इज़ टू टेक आर अवेयरनेस अवे फ्रॉम अस। लेट्स डू अ लिटल, यहाँ पे एक काम करें, छोटा सा एक एक्सरसाइज करते हैं, इस कमरे में ब्लैक चीज़ें काउंट करें और मुझे बताएं। काफ़ी सारी हैं, काउंट करें आप जितनी कर सकते हैं। मगर ये माइक वन पीस होगा, इसके अंदर मल्टीपल पार्ट, वन पीस 2 3 4, आप जिस तरह भी काउंट करते हैं मैटर नहीं करता, लेकिन करें ज़रा। ओवर 18 है अभी तक जो मैंने देखी है, पक्का? हाँ ओवर 18 है। इधर आपके लिए मैं कहूँगा कोई 26 के करीब चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि दो लोगों ने ब्लैक चीज़ें ऑब्जर्व की, दोनों के नंबर्स डिफरेंट हैं। अब आप दोनों एक काम करें, मैं आपको बता रहा हूँ 5-5 चीज़ें और हैं, काउंट करें, गौर से देखें जो चीज़ें आपने काउंट की हैं उसके अलावा 5 चीज़ें और, ठीक है, एटलीस्ट 5 चीज़ें तो मुझे मिल गई हैं अभी, मिल गई हैं। इसका मतलब ये है कि हम कभी भी अपनी पूरी अवेयरनेस पे होते ही नहीं हैं। और जब हम इधर फोकस कर देते हैं तो हमें सराउंडिंग से हमारी पूरी अवेयरनेस छीन ली जाती है. दिस इज टू टेक अ पर्सन's अवेयरनेस अवे. व्हेन योर अवेयरनेस इज गॉन यू कांट रियली फाइंड आउट द ट्रूथ, यू कांट रियली ऑब्जर्व, यू कांट, यू नो, योर क्रिटिकल ब्रेन इज गॉन, यू कांट रियली फोकस टू, यू कांट रियली अंडरस्टैंड थिंग्स. तो आपका जो परसेप्शन क्रिएट होता है वही क्या होता है? गलत होता है. दूसरी बात, लो अवेयरनेस वाले लोगों को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है. आपकी अवेयरनेस लेवल हाई होने देंगे वो तो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. तो इस चीज़ को ईजाद किया गया है कि लोगों को, अभी अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, खुदा न खास्ता लाहौर के अंदर कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, हमें यहां पे पता है? इस वक्त तो नहीं पता होगा. नहीं पता, इसका मतलब है हम पे उसका कोई असर नहीं है. नहीं, जब आपको आपकी मशीन के ऊपर, इस फोन के ऊपर नेगेटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं तो आपसे क्या किया जा रहा होता है? जो चीज़ें आपको पता करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो आपको दिखाई जा रही हैं. अब आप उसकी तरफ फोकस हो गए हैं, आपका इंटरनल पीस चला गया, आप परेशान हो गए. और इंसान का दिमाग और ह्यूमन कॉन्शियसनेस डिज़ाइंड ऐसे है कि वो सर्वाइवल के लिए बना था दिमाग, वो पोटेंशियल थ्रेट को ढूंढता है. इनको पूरा पता है कि इंसान का दिमाग क्या ढूंढ रहा होता है. पोटेंशियल थ्रेट ढूंढ रहे हैं यहाँ पर मैं बैठे, ये ऑटो सिस्टम लगा हुआ सबकॉन्शियस के अंदर. ठीक हो गया, उन्होंने सारे थ्रेट दिखा दिए. एक थ्रेट ये भी है कि तुमने ये नाना खरीदा तो तुम्हारा इमेज खराब हो जाएगा, तुमने ब्रांडेड कपड़े नाना खरीदे तो ओहो मुआशरा कैसे सोचेगा तुम्हारे बारे में, तुमने फलाना पैसा नाना कमाया तो तुम्हारी तो जिंदगी कोई नहीं है. 24 घंटे आपके अंदर डर इंस्टॉल करने की मशीन है. ये आपकी चॉइस है कि आपने इस मशीन को कितनी अवेयरनेस देनी है और कितनी नहीं देनी. आखिरी दफ़ा मेरा लाहौर वालों से सवाल है कि खुल के आसमान कब देखा था? पाकिस्तान वालों से सवाल है. ये तो फ्लैशबैक हो गया टू साहिल हदीम की पॉडकास्ट, उन्होंने भी यही सवाल पूछा था और ये बड़ा वैलिड पॉइंट है. पता नहीं मैंने वो नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग का एक पॉइंट है कि लाइक लास्ट टाइम आपने अपनी जो सराउंडिंग्स ऑब्जर्व की हैं उसमें मोस्ट ऑब्वियस लाए होती है. पॉइंट ये है कि आपकी अवेयरनेस को लो लेवल पे लाया जाए. अच्छा, दूसरा जो बंदा इमोशनली और मेंटली कहीं पे हिला हुआ है ना, उसकी अवेयरनेस वैसी पूरी नहीं है. जाहिर है वो ऑलरेडी इंटरनल इशू से डील कर रहा है, वो वैसी अवेयर नहीं है कि उसकी सराउंडिंग्स में क्या है और वो उसको एंजॉय भी नहीं कर सकता. वो इन द मोमेंट तो कभी आ ही नहीं सकता. मुझे पता है फियर कहाँ है, सारा खौफ कहाँ है? अंदर होता है आपके. अच्छा, यहाँ पास्ट का एक फियर है, ठीक है, वो आप कैरी कर रहे हैं और उसकी वजह से आप फ्यूचर में फियर सोच रहे हैं, पोटेंशियल थ्रेट देख रहे हैं. उस पोटेंशियल थ्रेट का आपने खाका बना लिया है, उस पोटेंशियल थ्रेट का आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई है. अब आप उसको सोची जा रहे हैं बार बार, इससे आपको क्या हो रहा है? एंग्जाइटी. नंबर 2, विटामिन डी की कमी से क्या क्या होता है, लोग प्लीज़ जाके पढ़ लें. विटामिन सी हमारे में कम है, हमें विटामिन डी कम है. ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको जनरली हेल्दी बॉडी के लिए चाहिए और ये डायरेक्ट मेंटल हेल्थ पे आपकी इफेक्ट करती हैं. ठीक है, डिफरेंट केमिकल्स हैं. यहाँ पे पाकिस्तान में रिवाज ही नहीं है कि अपनी केमिकल बॉडी के अंदर जो चल रहे हैं उनको चेक करवाया जाए. बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी, मतलब कुछ लोगों को वाकई प्याज नहीं खाना चाहिए, प्याज एंग्जाइटी ट्रिगर करता है. ठीक हो गया. और पाकिस्तान में मैं लिख के दे सकता हूँ इस वक्त ये तो कि 50% लोगों को एंग्जाइटी है. और दूसरी चीज़ जो आप में इंस्टॉल कर दी गई है, अगर आप बिजली के बिल देखते हैं एंग्जाइटी होनी ही है आपको. नहीं सर, मैं इसको कहता हूँ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. आपकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस 1947 से नेगेटिव है और फियर बेस्ड है. आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं. जाहिर है इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है ना, इंफॉर्मेशन ऊपर से नेगेटिव इंफॉर्मेशन. मैं चाइना गया और उससे पहले मेरा माइंडसेट 2015 की बात, और उससे मेरा भी थोड़ा सा ऐसा ही था कि इस मुल्क में ये मसला है और ये मसला है और ये मसला. चाइना में या इंडिया, पाकिस्तान में? पाकिस्तान में ये मसला है, मैं ये सोचता था. मैं चाइना गया, आपको लगता है वाह क्या खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं और क्या यार सिस्टम है और ये हमसे 100 साल आगे हैं, लेकिन ह्यूमन लेवल पर वो हमसे 100 साल पीछे हैं. दे डोंट केयर, उनका बाप मरता तो मर जाए, दे डोंट केयर फैमिली है या नहीं है. वो तो इस कद खुदकुशियाँ क्यों हैं जापान के अंदर? खुदकुशियाँ, दुनिया की हर चीज़ उनके पास है, खुदकुशियाँ क्यों हैं? इससे एक और बात साबित होती है कि एक्सटर्नली आप जो भी हासिल कर लेंगे, अंदर अगर खाली है, इमोशनली अगर आप पूरे नहीं हैं, मेंटल हेल्थ अगर आपकी ख़राब है, तो दुनिया की कोई नेमत, एक्सटर्नल नेमत, कोई मटीरियल चीज़ आपको मिल जाएगी, आप फुलफिल नहीं होंगे. जिशान भाई, इधर ना क्या कहते हैं, एक पूरा वेव है दुनिया भर में और पाकिस्तान में हर चीज़ 3-4 साल बाद आती है। जो मनी मेकिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं आपको पाकिस्तान में बेपनाह मिल रहे हैं, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी डीलर है जिसने इन्फ्लुएंसिंग का पेज बनाया हुआ है कि आप ये चीज़ खरीदें पैसे डबल होंगे, और वो मीम्स बना रहे होते हैं, और वो क्या था वो एटीट्यूड स्टेटसेस बना रहे होते हैं। वो आजकल एक है ना अमेरिकन इन्फ्लुएंसर जो लोगों को कुछ कहते हैं कि एक नहीं बहुत सारे हैं वो सारे जो मार्केट प्लेस में आइडिया प्रोपगेट हो रहा है जो एवरेज यूट्यूब कंज्यूमर ले रहा है, और एज ब्रैकेट भी को 12 से 18 साल की होती है अमूमन, उसको तो इस वक्त मैस लेवल पे फीड किया जा रहा है कि आपने पैसे 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 कमाने। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, एक इन्फ्लुएंसर है उसने हाउसिंग प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया था, उसके लिए अच्छी वीडियोस बनाई थी और बताया था कैसे आपको ये ज़िंदगी चेंज कर देगा, यूँ हो जाएगा वो हो जाएगा। पता है आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन चले सबको पता है सर वो नहीं, उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग, ऐसी बात नहीं है। और 100% उसको नहीं पता होगा उस हाउसिंग सोसाइटी ने फ्रॉड क्या किया है, उसको इश्तहार मिला उसने ले लिया, उसने तहकीक नहीं की, उस हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर एक सरकारी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई कर ली। अब वो हाउसिंग सोसाइटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती फिर ये अपनी सफाइयाँ देने के लिए। ये जो क्विक मनी का कॉन्सेप्ट है ये इतना कूट कूट के अंदर हमारे अंदर भर दिया गया है, क्योंकि पिछले 40 साल से हमारे वालदैन की जनरेशन ने, क्योंकि उन्हीं का वक्त था, हमारा तो वक्त अब आ रहा है, उनकी जनरेशन ने रिवॉर्ड किया पैसे वाले को, चाहे वो मलिक रियाज हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ हो उसका वालिद हो, चाहे वो मियाँ मंशा हो, और हमें बचपन में बताया गया है कि देखो ये बड़े लोग होते हैं। तो जो ये अंडरस्टैंडेबली सो कि पैसे एक ज़रूरी चीज़ हैं, आपको कतन कोई पैसे कमाने से नहीं रोक रहा, पर एंड ऑल बी ऑल और कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद हो हमारी जो पिछली कॉन्वर्सेशंस थी हमने प्राइवेट स्कूल्स को क्यों टारगेट किया था, वो एक ही प्रोडक्ट चर्न आउट करके दे जा रहे हैं और उस प्रोडक्ट का एक ही आउटकम है कि वो बकरियां हैं जिन्हें मैं करके मार्केट प्लेस में जाना है। सर वो ये प्रोडक्ट क्यों ना बेचें, कस्टमर ही उस चीज़ का है, एक एंड ये भी है। देखिए हाँ। बात यह है कि 2 घंटे की पॉडकास्ट में हर चीज़ तो डिस्कस नहीं हो पाती, ऐसी अभी उसके भी फर्दर पार्ट्स हैं भाई, वो आपको वो बेचें जो आप खरीदने जा रहे हो। मैं ये टिशू का डब्बा बेचना शुरू कर देता हूँ और ख़रीदारी को ही है, तो मैं टिशू को डब्बा क्यों बेचूँ। मार्केट में एक मसला है कि कस्टमर को भी वही चाहिए, लेकिन इसमें एक हिस्से को इसके अंदर, लेकिन एक चीज़ है, आपने पहले मार्केट में एक अफवाह छोड़ी कि तरक्की का रास्ता है, उस अफवाह पे मुझे आने दे, बड़ी मजे की अफवाह, तरक्की का रास्ता है बकरा बनना, फिर आपने एक दुकान खोली जहाँ बकरा बनता है। यस ठीक है, अब ये तो नहीं हो सकता ना, कहते हैं कि पहले आप कहो कि एग्ज़ाम होगा चैप्टर ABC का, बंदा ABC पढ़ के आए तो DEF का टेस्ट दे दो। बेसिकली जो एग्ज़ाम सेटर है, जो एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा है और जो एग्ज़ाम जज कर रहा है, वो सारे रले में रल के आपका बकरा बना रहे हैं। इसके बारे में बड़ा, इसके 3 एंड आप ज़रा सुनिएगा, जो मुझे लगता है, अगेन मैं गलत हो सकता हूँ। पहली बात मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी ये की थी कि हमारे दादा दादी जो थे ना वो प्री पार्टीशन के लोग थे, और उनको पता चला कि जिदे कोल पैसा है तो जिदे कोल नौकरी है, ये चंगी ओ जिंदगी कामयाब हो गया। अच्छा, फिर आप अगर पाकिस्तान का 50, 60, 70s इवन ज़िया से पहले का दौर देखें तो वो भी उसके अंदर हमारे वालदैन की दाढ़ियाँ नहीं थी बिल्कुल भी, वालिद साहब की जवानी के अंदर रेयर, बहुत रेयर था। अब आप क्या देख रहे हैं, बहुत सारा नौजवान मस्जिदों में भी बहुत आता है। देखें जहाँ नेगेटिव्स हैं वहाँ पॉजिटिव्स भी हैं, ठीक है, अल्लाह को तलाश भी कर रहा है, अवेयर भी होता जा रहा है इन द पॉजिटिव सेंस। हमेशा देखें जहां पॉजिटिव के जोर लगेगा वहां नेगेटिव का डबल लग देगा, शैतान भी अपना एक जोर लगाएगा, नेगेटिव ताकतें भी अपना एक जोर लगा रही हैं। हम इधर बैठे हैं कि हम उस नेगेटिविटी से लोगों को निकाल के पॉजिटिव काम की तरफ लाएं, जो उनको भी हेल्प करे, उनकी फैमिलीज़ को भी हेल्प करे और हर सेंस पे हेल्प करे। अब ये आपका पहला सवाल ये था कि जी ये जो पैसे को सब कुछ बना दिया गया, तो पहली बात कि सक्सेस को हमने लिंक कर दिया फाइनेंशियल सक्सेस से। असल में बंदा 6 एरियाज़ में या 5 एरियाज़ में सक्सेसफुल हो तो वो सक्सेसफुल होता है। नंबर 1 है उसके अंदर आपकी फिजिकल हेल्थ, और आपकी नंबर 2 पे है मेंटल हेल्थ। ठीक हो क्या, अगर मुझे कैंसर है तो मेंटल हेल्थ तो वैसे ही ख़राब है, तो मेरी अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना है, उसके बाद मेरी मेंटल हेल्थ को वो हेल्प करेगा। ये 2 चीज़ें होंगी। नंबर 3 है आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ पे कम बात होती है, मुझे मौलाना तारिक जमील की बात मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, क्योंकि कमाल वो बातें कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी और लॉजिकल ही हैं, ठीक है, और बहुत सारे उलमा से हर मकतब फ़िक्र के सीखी हैं। उन्होंने एक बात की जो मेरे साथ रह गई, उन्होंने कहा जब आप बच्चे को फजर छोड़ने पे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन स्कूल से छुट्टी करने पे जूते मारते हो, तो आपने यकीन उसके अंदर क्या बिठाया कि स्कूल ज़रा ज़रूरी है, फजर ही खैर है। अल्लाह ज़रूरी नहीं है जिसने तेरी सारी ज़रूरतें पूरी करनी है, फजर ज़रूरी नहीं है, तेरा अल्लाह से कनेक्शन ज़रूरी नहीं है। माल और दुनिया की चीज़ ज़्यादा ज़रूरी थी। बाप के या माँ के इस एक्शन ने, तुम स्कूल नहीं गए, और एक है तुमने फजर नहीं पढ़ी। अब आप बता दें हम में से कितनों को फजर पे उतने छितर पड़े हैं जितने स्कूल से छुट्टी करने पे पड़े। हम भी वही हैं। यकीन किस चीज़ का बैठा हुआ है? दो यकीन है ना, कि मेरी एक्सटर्नल मटेरियल चीज़ों से मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी, या मेरा खुदा मेरी मदद करेगा और मैं इंटरनली जितना स्ट्रांग होऊंगा या होंगी, मेरी उससे ज़िंदगी बेहतर होगी। आपने कहा जी 16 से 18 साल की जो एज है उनको बैश किया जा रहा है, पैसा ही सब कुछ है। नहीं सर, इंस्टाग्राम पे सारी जहान को किया जा रहा है। मियाँ घर आया है, वो तो काम करके आया, बीवी सारा दिन थी, उसने बच्चों को देखा, सारा कुछ देखा। जैसे ही उसको सांस मिला कुछ देखने का, उसने क्या देखा? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर दिखाया गया कि ये देखो अब फलानी लॉन आ गई, ये देखो हम फलाने ट्रिप पर जा रहे हैं, तुम्हारी तो कोई ज़िंदगी नहीं है, तुमने फलानी लॉन के फलाने सीज़न का फलाना वॉल्यूम नहीं खरीदा अभी तक। यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और वुमेन आर विजुअल, मोस्टली वुमेन आर विजुअल, राइट? उनको प्यारी अल्लाह ने उनमें डाला है, उनको खूबसूरत लगने का भी शौक है, उनको पहनने ओढ़ने का भी शौक है। लेकिन अब क्या हो गया कि इतना ब्रांड आ गया। सर मुझे बताएं, आपकी मेरी वालदा के बाद कितने ब्रांड की ऑप्शंस थी, और उनकी वालदा के बाद कितने ब्रांड्स की ऑप्शन थी? ब्रांड थे ही नहीं उनकी। हमारी दादी के टाइम में ब्रांड नहीं एग्जिस्ट करते, ठीक है? दादा, मेरी वालदा के टाइम पे आई थिंक एक जनरेशन था ब्रांड, एक गुल अहमद था और मुझे नहीं याद, खाडी एक लेटर ऑन आया था, ठीक है जी। और अब मैं नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी सारी बहनें ऑफेंड हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन डीपली थिंकिंग, इंसान की ज़रूरत कितनी को है? मैं ये नहीं कह रहा अच्छा मत पहने, बट होता क्या है उससे कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, अवेयरनेस डाउन करके। अब आप उनके कंट्रोल में आ गए ना, अब वो आपको कंट्रोल इस तरह कर रहे हैं कि वो आपसे शॉप करवा ही लेंगे। इम्पल्सिवली आप कोई चीज़ वैसी खरीद ही लोगे जो आपकी इसेंशली नीड थी नहीं, या आप अपनी बहुत बड़ी ख्वाहिश को नीड बना लोगे कि यार ये तो अब नीड है। जैसे अब तो फलाना जोड़ा या फलाने कपड़े या फलाना ब्रांड पहनना क्या हो गया है? नीड हो गया है। अब जब आपने उसको नीड अपनी साइकोलॉजी में समझ लिया है तो अब आप उसके पीछे तो दौड़ेंगे। पहले आपकी नीड सी खाना, छत, कान ढांपना, इल्म। एक काम जो पूरा स्ट्रेटेजिकली किया गया ना, हमारे अंदर से इल्म की नीड को निकाल दिया गया। और इल्म मालूमात को नहीं कहते, अगेन जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स को नहीं कहते। ये भी है, नॉलेज है, बट ट्रू इल्म इंसान का है अपने आप को जानना और अपने क्रिएटर को जानना। ये दो ट्रू इल्म है। इसकी नीड को माशरे से स्ट्रेटेजिकली निकाला गया, इसकी इम्पोर्टेंस को बयान भी नहीं किया जाता कहीं पे। मुझे बताएं, पाकिस्तान के 20 मर्द कहीं इकट्ठे हो गए, टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? इमरान खान, नवाज शरीफ, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, मायरा खान की शादी, कंग्रेचुलेशन मायरा खान, मायरा खान की शादी, पैसे कमाना, कारोबार का की हाल है। जनाजे पे खड़े होंगे, डिस्कशन क्या है? बड़ा दुख होया जी, लेकिन होर दसो शेख साहब, कारोबार दा की हाल है? बड़े हालात ख़राब हो गए ने। अच्छा, इस कदर इंसान सुन हो चुका है कि वो अपने सामने एक और इंसान को कब्रिस्तान में कब्र में उतरते हुए देख रहा है, लेकिन उसको ये ख्याल नहीं आ रहा कि एक दिन मैं इतने जाना है। ऐसे लेते छड़ दो। जनाजे पे डीलरों के ना मार्केट लगती है, क्योंकि किसी डीलर का जनाजा होता है तो 150 डीलर इकट्ठे हुए होते हैं, तो 15-15 की टोलियों में खड़े अपनी सोसाइटी का ट्रेड कर रहे होते हैं। इमेजिन। लेकिन मैं अच्छा आदमी, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बात कंप्लीट करने थे सिर्फ, सॉरी। तो हो गया फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये थी बात स्पिरिचुअल हेल्थ पे। अगली आ जाती है आपकी रिलेशनशिप हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, और 5वीं चीज़ है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ। बिल्कुल ज़रूरी है, ऑब्वियसली आप भूखे तो नहीं मर सकते, आपकी ज़रूरियात है, आप करें, लेकिन सक्सेस इन 5 चीज़ों में जो है वो मॉडरेट होने को कहते हैं। आपका बहुत ज़्यादा पैसा और आप बीमार हैं मेंटली और इमोशनली, आपको वो लैंड क्रूज़र खुशी दे सकती है और डाले। अब वो लैंड और क्रूज़र और डाले जो है ना, देखें, मिट्टी की ज़रूरत है मिट्टी, और रूह की ज़रूरत है स्पिरिट की ज़रूरत कुछ और है। हम दो चीज़ों से बने हुए हैं। इंसान अपनी रूह के खालीपन को मिट्टी से भरना शुरू कर देता है। यानी इंसान अपने अंदर के खालीपन को किससे भरता है? मैं गाड़ी ले लूँ, मैंने घर बड़ा बनाया, मैं कनाल का बना लिया सी, हुण मैं दो कनाल का बना रहा, मैं पाँच मरले का बना लिया सी, हुण सी दस मरले ते शिफ्ट हो रहे हैं। वो अपनी ईगो को फीड करी जा रहा है और वो अपनी स्पिरिट को फीड नहीं कर रहा। तो फिर यही होगा जो हो रहा है। अगेन इसमें ज़िम्मेदार मैं अपने दादा दादी से शुरू होता हूँ, वो थे माइंडसेट, फिर उन वो एज ग्रुप उनका माइंडसेट ट्रांसफ़र होता है हमारे वालदैन में, वो ट्रांसफ़र होता है हम में, और हम तो फिर इंटरनेट के बाद और नेटफ्लिक्स के बाद और अटेंशन और डिसऑर्डर्स के बाद अब आके मेंटल हेल्थ इस कदर तबाह हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं। और पाकिस्तान का 50% बंदा अवेयर या अनअवेयर है, उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज है। और इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और अच्छा मुझे बताएं आपने इस मुल्क के सॉल्यूशंस निकालने हैं ना, हर वक्त यही बात होती है सियासत में, ये मसला इस मुल्क का फ्यूचर क्या है। इस मुल्क का फ्यूचर मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब लोग सही निकाल लेंगे? नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला तो इशू ये है कि भाई इस पे मैं कहता हूँ हंगामी बुनियादों पे हर किसी को अपने अंदर जाना चाहिए, अपने आप को ठीक करना चाहिए। क्योंकि मैं आप एक घर है, दो घर हैं, मोहल्ला, सोसाइटी, शहर, मुल्क, आप इस यूनिट को ठीक करना शुरू कर दें आपका पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है? हमने मुल्क को सीधा ठीक करना है। रूमी सेड that when I was wise I want to change the world, when I was intelligent I wanted to change the world, today I am wise I want to change myself. We are very intelligent sir, we are not wise. अगर हम अपने आप को हम अपने घरों में ये लाजम कर दें, अपने बच्चों को कहा करें कि यार तुमने फैसला किया, अपने अंदर घुसो, तुम ठीक हो। एम्पथी मैं बार बार कहता हूँ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे यहाँ एम्पथी भी ख़त्म हो चुकी है। हम इतने सख्त दिल हो चुके हैं कि हमें किसी पर तरस भी नहीं आता। हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि हमें किसी को माफ़ करने का दिल नहीं करता। उसकी एक और वजह यह है कि हम अपने आप को भी माफ़ नहीं करते। बार बार मैं ये बात करता हूँ, बातें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी है। उनको शायद 50,000 दफ़ा बोलना पड़ेगा कि इसकी तरफ देखो। जैसे अल्लाह कुरान में पता नहीं कितनी सैकड़ों दफ़ा कहता है नमाज 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 नमाज, फिर भी हम लोग मिस करते हैं। ऐसा ही है, फिर भी हमारी प्रायोरिटी पर वो नहीं आता। इसी तरह आज भी मैं जब से अपने इंटरनल सफ़र पे निकला हुआ हूँ, यकीन माने मैं जितना अंदर जाता हूँ मुझे अपने पे अफसोस ही होता कि यार मुझे क्या कुछ नहीं पता था, और पता नहीं और कितना है। आप इंटरनल सफ़र की बात कर रहे हैं, तो आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि काफ़ी ज़्यादा जो मर्द हैं उनको उनमें एक नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा भरी होती हैं और उनके पास कोई तरीका नहीं होता कि वो उसको चैनल करें सही तरह, उसको निकालें अपने अंदर से। तो आपने बात ये भी की कि ये ज़रूरी प्रोसेस है जिसके थ्रू जाना पड़ेगा अगर आपने कुछ बनना है लाइफ में, और नॉट जस्ट कि आपके पास पैसे हो, गाड़ी हो, बट आप ट्रूली कोई सेटिस्फाइड ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। आपको वैसे क्या लगता है, या आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में इस नेगेटिविटी को किस तरीके से चैनल करना चाहिए, या ऐसे क्या तरीका है टैकल करने का? सर पहला देखिए, मैं दीन पे बाद में आऊँगा, एक तो है तहज्जुद में रो लो। मर्द को रोने की इजाज़त नहीं है भी है ना, अगर तो तहज्जुद में उठ लो, अल्लाह के आगे आगे रो लो। वन बहुत मुश्किल काम है, थोड़ी वनरेबिलिटी यानी कि बंदा निकाले ना सर, वो अगर आपका है। बंदा माँ दे नाल जाके गले लगता है, मरते लगता ही लगता, उन्होंने ठंड माँ तो पैंदी है राइट। वो अपना छोटा सा बच्चा शुरू से अपनी माँ के साथ लगता है, ये औरतों मर्दों दोनों के लिए है, लेकिन ये ऑब्वियसली इस पे आने में हमें एक वक्त लगेगा। नंबर 2, अल्लाह ने सोशल सिस्टम पैदा किया, इंसान को इंसान से जोड़ा है। आज के माशरे में क्योंकि हमें पता है कि यार हम किसी पे ट्रस्ट इश्यूज़ पाकिस्तान में इतने हैं ना कि हम किसी पे एतवार किसी को बात बता देंगे, कल को हमारा मजाक बन जाएगा, क्योंकि गीबत बारह एक और बीमारी है कि यार इस ये मेरा अमानत नहीं रखेगा, मेरे बात की अमानत। हमें लगता है अमानत सिर्फ पैसों में होती है, चीज़ों में होती है, बात की अमानत भी होती है कि अगर मुझे असद ने एक बात कर दी है तो ये मेरे पास अब अंदर अमानत है। हमने ख़यानत शुरू कर दी, हम बड़े खाइन हैं इस मामले में। हम नबी की मिसालें देते हैं, उन पे जान देते हैं, लेकिन सादिक और अमीन थे वो। ना हम सच बोलते हैं, ना हम अमानत रखते हैं, लेकिन हम जानसार हैं, नबी के आशिक हैं, और हम सुबह रात दीन बेच रहे हैं। वो एक बंदे ने कहा था कि दीन के लिए जान लेना आसान है, देना मुश्किल है। जी जी, तो वो वाला फिनोमेना सबसे देखें जी, सबसे मुश्किल काम लोगों को बदलना है, सबसे आसान काम लोगों को बदलना है, सबसे आसान काम है। और सबसे आसान काम है वो मशवरा देना जो मांगा नहीं किया। ठीक है, मैं भी शायद वो मशवरे दे रहा हूँ जो लोगों को चाहिए नहीं है, लेकिन मैं अपने अंदर घुसूँ तो उसको बदलना। दूसरा स्टेप ये है सर कि हमें लगता है कि फिज़िक्स पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, टेनिस सिखाने के लिए टीचर चाहिए, कराटे सिखाने के लिए कोच चाहिए, लेकिन ज़िंदगी मैंटल हेल्थ उसके लिए कोच जरूरत नहीं होती। सानू पता है ओ साढ़े अबाई नाल तैयार हो गया सी, ओ तेरे नाल तो होया ही कुछ। लड़कों को क्या कहा जाता है, ओ मैंने तो ये कुछ देखा, तुम इतनी सी बात पे परेशान हो गए हो। भाई जो बात आपके लिए इतनी सी है वो उसके लिए इतनी सी नहीं है। हर इंसान का दिमाग फ़र्क है, नर्वस सिस्टम फ़र्क है। जिसमें पे आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, लोग अभी भी कैंसर का इलाज दम दरूद से करा रहे हैं माशाल्लाह, लोग फूंके मरवा रहे हैं। मैं दुआ करता हूं इलाज करने के लिए, तो मेंटल हेल्थ तो बहुत बात की बात है। सर एक मर्द जो फाइनेंशियली, मेरे पास ऐसी मिसालें हैं, एक मर्द है फाइनेंशियली सेट है, जो आप एपिटमी कह सकते हैं ना, लेकिन वो घर जाके बीवी को भी चपेट मार देता और बेटी को भी चपेट मार देता। ये सक्सेस है, ठीक है ना। उसने अपने नबी से कुछ उठाया, और उसकी अगर डीप साइकोलॉजी में जाओ ना तो उसके अंदर इतनी तकलीफ है और इतने ट्रिगर्स हैं और इतना ट्रॉमा है, और उसने उन्हीं को जंग लड़ते हुए पैसा कमाया। असल में यो मैंने शुरू में बात की थी कि उसको इतना कुछ किया गया। अक्सर सक्सेसफुल लोग, अक्सर तो नहीं चलें, एक परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल लोग बचपन में टिका के भुली हुए होते हैं। सक्सेसफुल मर्द जो आपको हाइपर सक्सेसफुल मर्द नजर आते हैं ना, वो बचपन में भुली हुए होते हैं। ये आप कभी इस पे गौर कीजिएगा, कभी आप उनकी ज़िंदगियों में जाएं और उनको कहें, तो फिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या ढूंढते हैं कि अब मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मेरे से कोई बात भी ना कर सके, उस तरह इंसुलेट हो जाऊंगा बेसिकली। यस। और उसके अंदर होता क्या है कि वो अपनी फैमिली को, अपने आप को इवन भूल चुके होते। वो इंसान ही नहीं होता जो 20 साल पहले होता, ठीक है। डीपली शायद वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है, लेकिन उसको आपने तकलीफ इतनी दी है। सर ये ऐसा ही है कि मैं आपको चपेड़े मारता जाऊं तो एक टाइम तो आएगा ना हैदर साहब, आप मुझे चपेड़ मार ही देंगे, क्योंकि आपके अंदर वो पेन इतनी भर गई है कि आप निकाल के फिर मुझे चपेड़ मारेंगे। जब मर्द पेन सप्रेस करेगा वो कहीं ना कहीं निकालेगा, बाहर मुआशरे पे तो वो निकाल नहीं सकता। निकालेगा कहाँ? घर पे, क्योंकि उसी पे उसका बस चलता है, क्योंकि वो वीक भी है। ये मर्द के वीक होने की निशानी भी है, लेकिन वो वीक हुआ क्यों, फिर इस पे आ जाते हैं। वो पूरी कहानी है सालों की। और वो घर जाता है तो उसको कौन पूछता है कि अब्बा आप ठीक है? मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ अपने बाप को कभी कभी पूछ लिया करो आप ठीक है? एक सवाल है। हमारे वालिद सब के बापों ने अपने आप को घोट के नहीं रखा हुआ। आखिरी दफा घोट के अपने अब्बा जी को जफी कब डाली थी? हाँ सुबह। आप खुशकिस्मत आदमी। नहीं, हमारे वालिद साहब को बहुत पसंद है जफियाँ देना, राइट। हाँ। ठीक है, मुझे भी बहुत पसंद है एज अ वालिद जफियाँ देना, ठीक है। अल्लाह ने ये एक मैकेनिज्म बनाया कनेक्शन का, राइट। लेकिन हमारे बापों को ये भी अलाउड नहीं है, उनको रोना अलाउड नहीं है, उनको सीरियस रहना है, उनको हर चीज़ को हैंडल करना है। वो हर वक्त एक स्ट्रेस मोड में है। एक स्ट्रेस मोड वाले आदमी को आप क्या चाहते हो? पर आपको लगता है कि वो उस स्ट्रेस मोड से निकल आए? सर निकल सकते हैं, सारे सॉल्यूशंस हैं, साइंस तरक्की कर चुकी है। नहीं, बट लेट्स से कि वो निकल आए तो एक डर ये भी होता है ना कि अच्छा अगर हमने बहुत इजी लेना शुरू कर दिया, तो जिस तरह पहले आपने मिसाल दी कि बहन की शादी कौन कराएगा, अब ये भी एक एक्चुअल इशू तो है जिसको एड्रेस करना है। लो सर, इसका जवाब ये है, हैदर ने सारे बूमर अंकल वाला सवाल पूछा। Somebody had to say it. इसका मेरा ऑब्जर्वेशन है, और दीन से भी साबित कर सकता हूँ, हर जगह साबित कर सकता हूँ। सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में अबंडेंस पीस में आती है, इंटरनल पीस में। आपको जो चाहिए ज़िंदगी में, आप पहला काम आपका यह है कि आप इंटरनली पीस में आ जाए, आप परेशान होना छोड़ दें, जिसको दीन तवक्कुल कहता है। दीन उसको तवक्कुल कहता है। अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको कहता है, पीस की फ्रीक्वेंसी एग्जिबिट करेंगे, पीस अट्रैक्ट कर लेंगे। और अबंडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सुकून के साथ। लोगों को लगता है चीज़ों के पीछे भागेंगे तो चीज़ें आएंगी, असूल फ़र्क है। सुकून से बैठ जाएं, काम करें। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका आरी बह जो थे मनोसलवा का इंतज़ार करो, ये नहीं मैं कह रहा। आप जैसे प्रमोशन है, लोगों के प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन होगी तो ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे तो वो होगा। जितना प्रमोशन के पीछे दौड़ेंगे प्रमोशन उतनी दूर जाएगी। ये चीज़ें सैराब की तरह हैं, पानी लगता है इधर है, आगे जाते हैं तो आगे चल जाती है। और रियलिटी में चीज़ें तब आती हैं जब आप सुकून में होते हैं। आप अपना काम करें, जिस दिन आनी है ना वो जल्दी आएंगी, क्योंकि जब आप एंग्जाइटी और फियर से सोच रहे होते हैं तो आप गलत डिसीजंस ले रहे होते हैं। अब इसकी लॉजिक इसकी है जब आपके अंदर एंग्जाइटी और फियर है, आप सेन या एक्चुअल राइट डिसीजंस नहीं ले रहे होते। फियर बेस्ड डिसीजंस है, एंग्जाइटी बेस्ड डिसीजन है, मेंटल हेल्थ आपकी ठीक नहीं है इस वक्त, अब आप वो डिसीजन गलत लेंगे। हर दुनिया का डिसीजन का कॉन्सिक्वेंस है, गलत डिसीजन का कॉन्सिक्वेंस तो ठीक नहीं निकल सकता ना। इसलिए सुकून में रहें तो आप फैसले ठीक लेंगे, फैसले ठीक लेंगे तो वो चीज़ें जो आप चाहते हैं वो आपके पास आएंगी। ठीक, अल्लाह ने मैकेनिज्म 5 दफ़ा बनाया सुकून में आने का। दिन में सुकून में आने का मैकेनिज्म 5 दफ़ा अल्लाह ने बना दिया, हमने लेना नहीं। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। इसलिए पीसफुल हों पहले, लेट इट गो। लेट गो करना अब एक पूरी साइंस है कि कैसे लेट गो करते हैं। अगेन मुझे फिर मिसाल देनी पड़ती है एनएलपी की, लेकिन सारे मेथड्स मौजूद हैं। नहीं, पर आपने बड़ी खूबसूरत मिसाल ऑलरेडी दे दी कि अगर 5 दफ़ा आप अपने आप को एक चीज़ याद करा रहे हो कि यार दुनिया फ़ानी है, अल्टीमेट ट्रूथ जो है वो कुछ और है, यानी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है, तो फिर ऑब्वियसली यानी कि ये तो बहुत हायर पर्पस है जी, सिंपल पर्पस है, सुकून लेना है। अब दिन में अल्लाह ने डिवाइड करके ना सुकून लेने की ब्रेक्स दे दी हैं, क्योंकि इंसान को एसेंशली दुनिया भी चाहिए ना, ये दुनिया की चीज़ें हैं ना। दुनिया में सुकून, दुनिया में सेहत, दुनिया में अच्छे रिश्ते, दुनिया में माल, उस दुनिया के वो तो बाद में आती है बात कि आखिरत में क्या होगा। आपको अपने आप को इसको और मज़ाहिब में और जगहों पे कहा जा रहा है मेडिटेट कर लिया करें। टेक मेडिटेशन ब्रेक्स, क्यों? दे विल ब्रिंग यू एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ पीस। पीस विल ब्रिंग क्लैरिटी, क्लैरिटी विल ब्रिंग गुड डिसीजंस। तो दिन में आप छोटे छोटे फैसले कर रहे होते हैं ना, उसी को कंपाउंड करते जाएं तो जिंदगी के बड़े फैसले बन जाते हैं, राइट? तो अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह ने पूरा दीन दिया था हमें पसंद नहीं है क्योंकि हमारी ईगो गवारा नहीं कर रही ना, कूल नहीं है। असल में हम कूल कैसे रहेंगे अगर हम मौलवी टाइप्स हो गए? और मौलवी भी एक गलत टर्म है, बहरहाल उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन क्वेश्चन ये है सर कि अगर आप 5 दफ़ा दिन में 10 मिनट सुकून करते हैं, और आपको पता है सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो दिमाग को कब जाता है? अब हेल्थ पे आ जाए, बायोलॉजी पे आ जाए, सजदे में। मेंटल दिमाग को जितना ब्लड फ्लो ज़्यादा जाएगा, और दिन में कितनी दफ़ा जा रहा है, आपकी ऑटोमेटिकली ब्रेन बेहतर काम करेगा। ठीक है, आप बैठे भी हुए थे, अगर आपका काम बैठने का है, आपकी बॉडी खुद ही मूव कर रही है, आपकी ओवरऑल बॉडी का ब्लड फ्लो बेहतर होगा। ठीक हो गया, दिमाग को ब्लड जाएगा तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन जाएगी तो उसकी थिंकिंग लेवल बेहतर हो जाएगा। सारा सिस्टम वही है। अब आप मेडिटेट कर लें। अब आज तो मेडिटेशन की रिसर्च कहती है कि नमाज के पॉस्चर्स बेस्ट मेडिटेशन पॉस्चर्स हैं। पूरा इंडिया मेडिटेशन और पूरा अमेरिका मेडिटेशन, और करोड़ों रुपए की आज क्या मैं कहता हूँ अरबों डॉलर का बिजनेस बन गया मेडिटेशन। हमें गिफ्ट में मिला हुआ है पैदाइशी तौर पे। सजदा जब आप यूं खड़े होते हैं, स्ट्रेट खड़े होना एक और फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। आजकल वो डॉक्टर जो डिस्पेंजा करा रहे हैं वॉकिंग मेडिटेशन, अल्लाह ने हमें स्टैंडिंग दी हुई थी तो लोग ही पागल हुए ने। मेरे ख्याल से उसका हमें ना साइंटिफिकली हमें जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है शायद, क्योंकि आई थिंक ये भी एक ट्रैप होता है। जिस तरह वो जो बैठ के पानी पीने वाली मिसाल है कि वो किडनीज़ के अंदर असल में पानी जाता है, तो इससे आपको चाहिए कि आप बैठ के पिएँ। कुछ चीज़ें जो हैं उन पे हमारा वैसे ईमान है, राइट? जिस तरह नमाज का पोस्चर है हम नहीं पूछते, या हलाल हराम है हम नहीं पूछते। हाँ, हम एक उसकी साइंटिफिक बेसिस बना सकते हैं। इधर नहीं, ये बेसिस बना नहीं रहे, ये ज़रूरी है समझना लोगों को कनेक्ट करने के लिए कि यार ये कोई अलग चीज़ नहीं है, साइंस ने आजकल ये कहा है, क्योंकि हमने उसको उस तरह देखा ही नहीं है। पीने वाली बात है वो सच नहीं है। मतलब कि हदीस के मुताबिक आप खड़े के पीछे मौला अली ज़रदारी ने बाकायदा खड़े होके गुफा के लोगों को बताया था कि ऐसे ही पानी पीसना है, कहीं तुम लोग समझो ना कि बैठ के पानी पीना होता है। सर महफिल में तो बिल्कुल हम खड़े हैं, अगर 5 लोग बात कर रहे हैं तो फिर खड़े हो गए। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की घड़ी हुई हदीस है। चल ठीक है, ग़ज़वा हिंद नहीं, लेट्स नॉट डिस्कस दीन राइट नाउ। ये हमें फिर प्रूव करना पड़ेगा, हदीस नंबर दें आजकल ऐड हो जाएगा, वो तो हमारा कमेंट सेक्शन ही वेरीफाई कर देगा। मेरा कहने का मकसद कि इवन अगर नमाज जो है उसके पोस्चर्स जो हैं वो लेट्स से कि कोई साइंटिफिक बेनिफिट दे रहे हैं, आई थिंक अक्सर ना वो इस चीज़ को फोर्स भी किया जाता है कि अगर हम साइंटिफिक इसकी बैकिंग दे देंगे ना तो समाओ ये चीज़ ज़्यादा वैलिड हो जाती है। या समहाउ ज़्यादा हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। आई डोंट थिंक वो करने की ज़रूरत है। सर मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ लोगों को। बहुत ज़रूरी है कनेक्शन डेवलप होना, क्योंकि आसान तरीन चीज़ है। लोग 1 घंटे की मेडिटेशन चाहते हैं, राइट? अगर आप सिर्फ वो मेडिटेशन कर लें, नमाज को छोड़ दें, नमाज समझने की बजाय मेडिटेशन समझ के कर लें, तो आज ना मैं अगर ये आवाम को बात समझ में आ जाए ना। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम ना जब मैं कभी दीन सीखने की सर्च में था ना, तो एक रात हम एक मस्जिद में लेटे हुए थे, तो ना मेरे एक दोस्त थे, वो कहते हैं हम में से कोई ना असल में आखिरत लेने नहीं आया हुआ इधर। हमें पता है यार, इधर आके ना हमारे जो हम करते हैं ना, उससे हमारे दुनिया के काम हो जाते हैं। हम मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, हमें दुनिया में ये सारी चीज़ें चाहिए ना, दुनिया में सुकून चाहिए। सुकून लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। बुले चाहना कहा था ना, आसमानियाँ उड़तियाँ फाड़ना, जो घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। मैं कनैक्ट कर रहा हूँ कि जो घर बैठी है ना इन्फो ताडे, वो हमें उसकी डिटेल नहीं ना पता कि यार उसके इसमें क्या फ़ायदे हैं, इसमें क्या फ़ायदे हैं, इसमें क्या फ़ायदे हैं। जैसे मैंने प्याज की भी एग्जांपल दी है कि वो एंग्जाइटी ट्रिगर करता है, कि इंसान को एंग्जाइटी है, उसको देखना चाहिए कि क्या उसको प्याज उस पर कैसे असरअंदाज होता है, उसको किसी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। इन्फॉर्मेशन गैप को मैं इस वक्त कवर कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा कि अल्लाह के दीन को साइंस की जस्टिफिकेशन की ज़रूरत है। वो एक नैरेटिव आजकल फैला हुआ है, लेकिन हाँ एक कौम है जिसको ये बात समझ में आ जाए ना, तो सर वो वाकई अमल कर लेते हैं। मेरा तो ताल्लुक इससे है ना कि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जाए, अगर हम उनको कनेक्ट कर पा के एक्शन निकल आता है। एक प्रॉब्लम जो आजकल माशरे में ये है कि, और हैदर का वो पॉइंट उस तरह आइडेंटिफायर बिल्कुल करेक्ट है, कि दीन को उस पैमाने पे नापना एक बेवकूफ़ी है। बिल्कुल। और दूसरा ये कहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ के उसके एसोसिएटेड फिज़िकल क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं सिर्फ योगा करने के लिए, तो उसका कोई अजर आपको नहीं मिलना, और उसकी जो शायद फिज़िकल मैनिफेस्टेशन है वो आपको दुनिया में मिल सकती हैं, उसमें कोई शक नहीं है। एक इस सारी गुफ्तगू से चीज़ जो अखज़ होती है ना, कि अब अगर एक बंदा इस लेंस से सोचे कि एक मर्द की रैशनैलिटी कैसे ऑपरेट कर रही है थ्रू इज ग्रोथ ऑफ लाइफ, तो फिर आपको समझ आता है कि एक मैस मसीह साइकोसिस कैसे हुआ है पाकिस्तान के अंदर। जो पहले हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में देखा, फिर हमने ज़िया उल हक़ की शक्ल में देखा, फिर टू सम एक्सटेंट बेनज़ीर नवाज़ की शक्लों में देखा, और मोस्ट रिसेंटली हमने इमरान खान की शक्ल में देखा है, कि एक ब्लाइंड बस वेसल है जिसके अंदर लोगों ने अपनी सारी ख्वाहिशात तुन दी। एक सवाल है मैं पूछ लूं, मैंने जितना दीन को समझा ना, उसके अंदर तो हुकूमत मांगने वाला फासिक होता है। खिलाफत जो कहे ना, मुझे खिलाफत दो, एनू तो बिल्कुल नहीं देनी होंगी। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो पॉलिटिक्स हमारी पूरी है, इसमें जो हर कोई खुद ही कह रहा है कि जी मैं हुकूमत डिज़र्व करता हूँ, मैं तुम्हारे हालात बदल दूंगा, पहले तो सबसे बड़ा धोखा ये है कि कोई आपके हालात नहीं बदल सकता, आप खुद अपने हालात बदल सकते हैं। मैं आज इस पॉडकास्ट के तवस्सुल से ये बात भी करना चाहता हूँ कि मेरी आवाम से मैं विनती करता हूँ, खुदा का वास्ता है, अपनी एनर्जी एक्सटर्नल इन चीज़ों को, कि हुकूमत इमरान खान नवाज़ कोई आ जाएगा, आपकी कोर ज़िंदगी इनकी वजह से ना कभी बदली है, ना कभी बदल सकती है, ना कभी बदलेगी। आपकी ज़िंदगी आपके लिए गए फैसलों का, आपके अंदर की मैनिफेस्टेशन है जो आप बाहर देख रहे हैं। जिशान भाई, जो जमहूरियत का प्रोसेस है, ठीक है, वो इसके डायमेट्रिकली अपोज्ड है। सर मैं जमहूरियत से भी एग्री नहीं करता, आज मैं ये भी एक बात कर देता हूं। नहीं वो ठीक है, वो बात मुकम्मल करने दें। जो जमहूरियत का प्रोसेस है उसके अंदर आपको इन्वेस्टेड होना पड़ता है, कि ज़ाहिर है अगर एक मुद्दे पे 2 लोग बहस कर रहे हैं, मैंने एडजुडिकेट करना है, तो मुद्दे की बेस नॉलेज होएगी तो मैं उनकी बहस को एडजुडिकेट कर सकता हूँ। ये दीनी सर्कल्स में तो बहुत गुफ्तगू होती है कि जमहूरियत का सिर्फ ये मसला नहीं है कि लोगों को दीनी इल्म नहीं है जिसकी वजह से वो शरीयत पे कानून नहीं बना सकते। जमहूरियत का एक ये भी मसला है दुनिया भर में कि जब आप लोगों को उन इश्यूज़ के अंदर जो सियासतदान खुद चुनते हैं, इमरान खान ने करप्शन चुना, नवाज़ शरीफ ने डेवलपमेंट चुना, जरदारी ने सिंध नेशनलिज़म चुना, अपनी मर्ज़ी से मुद्दे चुन के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसियों पे थोप के कहते हैं इसकी बेसिस से बाकी सबको जज करो। अब हो सकता है आपकी ज़िंदगी का इशू हो ना हो करप्शन, सिंध नेशनलिज़म हो ना हो। जमूर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो इश्यूज़ आपको पेश किए जा रहे होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके इशूज़ हों, वो इश्यूज़ होते हैं जिन पे वो सियासतदान इलेक्शन जीत सकता है। यानी अगर मैंने एक डिबेट्स का टॉपिक सेट करना है ज़ीशान के खिलाफ, मैंने ज़ीशान के ख़िलाफ़ कंपटीशन करना है, मेरा 24 साल का स्विमिंग का करियर है, मैं सोचूंगा स्विमिंग ही रेस कर लेते हैं, तो ये रिग्ड है अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के अंदर, क्योंकि एक कॉलोनियल कॉम्प्लेक्स तो है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। उस कॉलोनियल कॉम्प्लेक्स के तहत हमने, पाकिस्तान में कॉलोनियल प्लस इंडियन कॉम्प्लेक्स है, वो इंडिया के पास सिर्फ कॉलोनियल है। एक सबसे बड़ी चीज़ है ना, कॉलोनियल जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, उसकी वजह से हमने गोरे की दी हुई सिस्टम्स को किसी न किसी लेवल पे एक्सेप्ट करना है। मतलब बेसिक लेवल कि हमने ओ लेवल्स और मैट्रिक की डिफ्रेंशिएशन इतनी कर दी कि मार्केट प्लेस से मैट्रिक की औकात ही कोई नहीं रही। उसके बाद ये कहते हैं हमने जो एडमिशन्स टू सिविल सर्विस कर दिए वो सारे इंग्लिश के अंदर हैं, तो हमने वर्चुअली 70% ऑफ द पॉपुलेशन को वहीं पे उड़ा दिया है, वो सिविल सर्विस में नहीं आ सकती। आपकी जितनी एडजुडिकेशन ऑफ मेजर केसेस हाई कोर्ट और उससे ऊपर, वो लोकल लैंग्वेज में नहीं होगी, वो इंग्लिश के अंदर होगी, उसकी कंपाइलेशन, उसकी प्रेसिडेंट जो सारे आ रहे हैं, तो एक्सक्लूजनरी काम तो हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर जमहूर नहीं तो फिर क्या होना चाहिए आपके ख्याल से? सर पहला सवाल मेरा ये है, जमहूर देखिए एक सिस्टम है जो लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लोगों का उसके लिए इंटेलेक्ट लेवल बहुत ऊपर आना चाहिए। मैं इधर एक सोलूशन पे बहस को नहीं ले जाना चाह रहा। मेरा सवाल ये है एक सिंपल सा, जमहूर ये है कि फॉर द पीपल बाय द पीपल राइट ऑफ द पीपल, ऐसा ही है। बट द पीपल आर रिटार्डेड अकॉर्डिंग टू ओशो। थैंक यू वेरी मच। एक चोर का, एक करप्ट इंसान का और एक नेक इंसान का और बहुत इंटेलेक्चुअली हाई इंसान के वोट की वेटेज और वैल्यू एक जितनी है। ये सिस्टम ठीक है? ये सिस्टम ठीक है? ये सिस्टम, अगर आपके अवाम का लेवल यहां गिर गया है, अब आपको क्या लग रहा है इन सब के पास वोट की राइट है? इन सब का अवेयरनेस लेवल तो बिल्कुल वैसे ही फारग है, इल्म का लेवल काफ़ी नीचे जा चुका है, तो आपको क्या लगता है कि हुक्मरान कमाल आएंगे? अब कुछ एक सेट है कि वो इस तरह के लोग क्या कर रहे हैं, उसी तरह का लीडर चुन लेंगे और वो उसी के फॉलोअर होंगे। मुझे बताया ना, एक कमरे में 10 लोग हैं जिनका टके का इल्म नहीं है, आप उनको कहते हैं यार ये 3 लोग हैं इनमें से चूज़ कर लो, वो जिसको भी चूज़ कर ले, ये डेमोक्रेसी है। वो 10 पागल भी खुश, वो उनका पागलों का सरदार भी खुश। दिशान भाई ये है जमहूरियत। ये जो क्रिटिसिज्म है जमहूरियत की, हम जब उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अवाम का इंटेलेक्चुअल लेवल उधर नहीं है कि जहाँ वो मुद्दे आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए वहाँ पे सवाल बनता है कि ठीक है हमने अगर ये बात एक्सेप्ट कर ली तो फिर क्या? हमने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं है, हमने एग्री अपॉन कर लिया कि जमहूरियत के अंदर आपकी पाकिस्तानी अवाम का इंटेलेक्ट नहीं है मुद्दों पर। आप लीडर्स बेहतर करना चाहते हैं ना, लीडर्स आके वो फैसले लेंगे। लीडर्स बेहतर नहीं करना चाहते, मैं कह रहा हूँ कि जमहूर का सिस्टम वहीं रिजेक्ट होगा जब आपने कहा पोलिटिकल सैनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब जब जमहूर का सिस्टम रिजेक्ट हो गया तो फिर पाकिस्तान में क्या होगा? तो जमहूर का सिस्टम तो आप पे, जैसे आपने कहा कि गोरे को हमने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट हो गया, अब क्या करें? सर फिर तो वो दीन का एक खिलाफत का निज़ाम है ना। ओके, तो पड़ा हुआ है, वो उलेमा देख सकते हैं जिनको मेरे से ज़्यादा उसका इल्म है और उस सिस्टम का इल्म है। अब हम जब, लेकिन अगर मैं जमहूरियत को बेहतर कैसे कर सकते हैं? आप इंसानों के लेवल को ऊपर लें। वो हम क्यों करेंगे? नहीं, इंसान खुद लें, हमारी आवाम खुद ला सकती है। इसके लिए किसी लीडर को हमारा इंटेलेक्ट लेवल या हमारा मेंटल लेवल या स्पिरिचुअल लेवल या इमोशनल लेवल ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे लेवल्स आप ऊपर लें, खुद अपनी मेहनत में लगें। अगले 5 साल ये आवाम अपने आप को बेहतर करने में लग जाए। जब ये सारी आवाम ऊपर के लेवल पर आ जाएगी तो आपको लगता है कि इस वक्त के जो लोग हैं इनको किसी एक को भी चूज़ कर लेगी? नहीं, बहुत मुश्किल है। अच्छा, और इसी आवाम में से वो निकले हैं ना, तो इसी आवाम में से जो लोग इलेक्ट होने के लिए इलेक्टेबल्स आएंगे वो बेहतर आ जाएंगे, क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रोसेस को 20 से 25 साल आवाम इंप्रूव करती जा रही है, जो लोग निकल रहे हैं वो भी इंप्रूव करते जा रहे हैं, तो क्या होगा? एक करप्ट माशरे में से ऑनेस्ट लीडर कैसे निकलता है, मुझे बता दें। एक जाहिल माशरे में से अक्लमंद लीडर कैसे निकलता है, मुझे तो नहीं समझ में आती। एक्चुअली मेरा ये ख्याल है कि डेमोक्रेसी की डेवोल्यूशन होती है कि विद टाइम लीडर डम होता जाता है। अगर आप अमेरिका की डेवोल्यूशन देखें, उनके सारे मैट्रिक्स ऑफ वर्ल्डली सक्सेस इंक्रीज़ किए हैं वो टाइम पर, लीडर की डेवोल्यूशन होती गई है। इन इफेक्ट पता नहीं दुनिया तो एक बहुत लंबी बहस चली जाएगी फिर एक्चुअल कंट्रोल कौन कर रहा है। नहीं, हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ कंट्रोल पर नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि असल में आप बात कर रहे हो कि पीछे स्ट्रिंग्स कौन पुल कर रहा है। सर हुकूमत को तो फायदा ही नहीं है ना, हुकूमत जिस मर्जी की हो उसको फायदा नहीं है कि वो आवाम को अवेयरनेस दे। इसमें मैं बात कर रहा हूँ उसको कोई फायदा नहीं है। अगर हुकूमत भी चीटिंग ना करे, इस्टेब्लिशमेंट भी स्ट्रिंग्स पुल ना करे, आप प्योर जमहूरियत करेंगे 100 साल बाद लीडर डम होगा 100 साल पहले से। उसकी वजह है अल्लाह ने पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं बनाई। आप भी मैथ्स पढ़ें, मैं भी मैथ्स पढ़ूँ, हैदर भी मैथ्स, सबका सेम रिजल्ट नहीं आता। हम सब सेम मेहनत भी करें, हालांकि मैथ्स रिलेटिवली बाइनरी होती है, ठीक। उसकी वजह है कि एप्टीट्यूड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। एक बंदे को पॉलिटिकल साइंस का एप्टीट्यूड है, एक बंदे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड है, एक बंदे को बिजनेस का एप्टीट्यूड है, और एक बंदे को कोई एप्टीट्यूड नहीं है। उन सब को जमहूरी प्रोसेस के तहत वन वोट ही मिलता है। जमहूरीत को रिजेक्ट करना इस वक्त आपकी फलाह है। इसका ये कतई नहीं मतलब कि आप मिलिट्री डिक्टेटरशिप एक्सेप्ट कर लें, बिल्कुल भी नहीं। एक बहुत बड़ा, जितनी आपने बातें की पिछली पॉडकास्ट में और इसमें, उनमें एक को रिलेशन है कि स्पिरिचुअलिटी ऑफ द पॉपुलेशन फिनिश हो गई है। स्पिरिचुअलिटी असल में री इमेजिनेशन की पावर होती है। आपका अंदर तगड़ा होना, तो आप दुनिया अपनी बदल सकते हैं, उसको री इमेजिन कर सकते हैं। पिछले 400 साल में ना फाइनेंशियल ना पॉलिटिकल सिस्टम मुस्लिम स्कॉलरली कम्युनिटी ने री इमेजिन किया है, क्योंकि जो कमज़ोरियाँ एक आम पाकिस्तानी मर्द की हैं, जो बिज़नेस कर रहा है, जो सियासतदान है, वही कमज़ोरी उसके आलिम की भी है। यस, थैंक यू वेरी मच। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो हमने गौ माता, इंडिया में एक गाय है माता और यहाँ पे गौ माता है आलिम या सियासतदान, मिलेंगे हम आलिम की बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो आलिम है वो तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ को रिजेक्ट करता है। अगर आप लाहौर शहर से बाहर निकल जाएं, आप कसूर चले जाएं, ननकाने चले जाएं, आप जितने भी देहात हैं साउथ पंजाब में, वेस्ट पंजाब में, नॉर्थ पंजाब में, इनकी तरफ चले जाएं, वहाँ पे टोटल गाइड ऑफ अ कम्युनिटी वाकई मस्जिद इमाम है। कैंट में नहीं है, डिफेंस में नहीं है सर, उसमें भी कसूर हमारा है। अग्रीड, उसमें हमारा कसूर है। मैं जो बार बार आपको फोर्स कर रहा हूँ कि सर जमहूरियत नहीं तो फिर क्या, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये अकेला मेरा स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है कि आप एक सिस्टम के अंदर गेम खेल रहे हैं, उस गेम में सेम रिज़ल्ट आ रहा है। आप कहते हैं शक्ल चेंज होने से रिज़ल्ट चेंज होगा, आप कुछ भी कर ले नहीं होगा। आपको री इमेजिन करना ही करना है, और आपको दीनी लेंस से करना है। आपने बड़ी सी बात की, आपने कहा जब बदी होती है वहाँ पर अच्छाई भी हो रही होती है, एंड वाइस वर्सा। आपके ख्याल से रैकेट नंबर में लोग मस्जिदें क्यों जाना शुरू हो गए हैं? क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं सर, लोग परेशान हैं सर, डर गए हैं। अगर आपको शैतान नज़र, आपको रात को जिन नज़र आए, फजर तुसां पढ़नी ही पढ़नी, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। उस वक्त जितनी सूरतें बचपन में याद की होती हैं वो सारी एकदम से बाहर निकल आती हैं। अनफॉर्चुनेटली अब आप दूसरा अंदर देखें, हर मैं जैसे, मैं भी कोई ए लेवल्स तक बिल्कुल, मेरा कोई अल्लाह और दीन से बिल्कुल, अम्मी के सामने ड्रामे कर लेता था। मैं नमाज़ पढ़ ली है जी अम्मी, फुल ज़ोर से, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन मेरा तो प्रोसेस ये था कि आपके पास अगेन इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है। उसके बाद आप जब बैठ के सोचते हो ना कि यार ये हो क्या रहा है, ये बिक क्या रहा है, ये हमें कोई वो बता देता है, कोई वो बता देता है, कोई वो बता देता है, सच क्या है क्या, करना क्या है, राइट। वालदैन ने कह दिया ये करना है, तुमने ये बनना है, या फलाना फलाना फलाना, वो जो ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट हमें दिया जाता है। एक सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं, एक तरफ सोसाइटी में देख रहे हो, फैमिलीज़ में देख रहे हो, पॉलिटिक्स, गिले चिड़े हुए लोग। मतलब मेरा एक तरफ हम डिबेट्स करते थे तो हमारा तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वैसे ही बहुत ज़्यादा होता था। हम कार्ल मार्क्स से शुरू होके तो पता नहीं कहाँ तक हो आते थे। तो मैं कह ये है क्या, राइट, मेरा तो सवाल यहाँ से। और जब भी एक नौजवान क्वेश्चन करना शुरू करेगा, हमने एक और जुल्म किया, यहाँ से ही हमने सवाल करने की ताकत भी छीन ली। हूं तू सानू पूछेगा, ओ भाई बच्चे ने सवाल किया, आपके पास जवाब नहीं है, आपकी ईगो क्यों हर्ट हो रही है? आई थिंक ये बड़ा मुश्किल होता है माँ बाप के लिए किसी बंदे के लिए कहना मुझे नहीं पता। एक अक्सर हमारे वालिद साहब कहते हैं कि जाहिर है उनका 40-42 साल का कारोबार का तजर्बा है, वो कभी कभार जान के सवाल पूछने, इसका ऑब्वियसली मेरे पास जवाब नहीं होगा, सिर्फ ये देखने के लिए ये अभी भी मानता है कि मैं प्यों हूँ। सही है, लेकिन उससे एक हम्बलिंग चीज़ ये होती है कि अब मेरे सारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मेरी बेटी कोई ऐसी फरमाइश करेगी या कोई ऐसी चीज़ पूछेगी, इसका वाकई मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, तो मुझे कॉन्फिडेंस फील होता है कहते हैं बेटा मुझे नहीं पता। अच्छा, इंस्टेड ऑफ चिढ़ने के वो जाकर दादी से पूछ लेगी, दादी कहेंगी नहीं पता, दादा से पूछ लेगी, उसको घर में 6-7 अफराद है, किसी ना किसी जवाब मिल जाएगा। तो ये नहीं कि एक्चुअली जो सारा बर्डन है ना एक मर्दों का, मुझे पर्सनली प्रॉब्लम लगता है फॉर सम रीज़न मर्द ना बहुत सारा बर्डन अपने सर एमी भी ले लेता है। उसको बचपन से आदत होती है लोड उठाने की, तो वो कहता है राह चलते हुए जो लोड पड़ा है भी चुक लो, पता नहीं बाद से कभी फ़ायदा आ जाएगा। मैं इतने लोगों को जानता हूँ अपने दफ्तर के अंदर जो बिला वजह लोड बेयर कर रहे होते हैं और लोगों का, जो कोई उनकी ज़िंदगी का मकसद नहीं होता, कोई ये मगर रेलिवेंट लोड नहीं होता, वो सिर्फ इसलिए बेयर कर रहे होते हैं बिकॉज एट सम लेवल उनको तरस आ रहा होता है अगले का लोड देख के, और वो कहते हैं यार ये तो मारी जाएगा, चलो मैं फिर भी थोड़ा ताकतवर हूँ, इसका 2 किलोमीटर डाल देता हूं। मैंने पहले भी बात की, एक तो एम्पैथी रखी है, दूसरी बात अगेन लैक ऑफ कोचिंग। हमें कौन बताता है ए लेवल्स के बाद, ओ लेवल्स के बाद, मैट्रिक एफएससी के बाद कि यार अब तुम यूनिवर्सिटी में जा रहे हो बेटा, 4 साल बाद ना तुमने प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो जाना है, किसी और का लोड ना उठाओ, ठीक है, अपने आप को ऐसे प्लान करो, अपने गोल सेट करो। मैं ना सर 100 बंदे को अगर पूछूँ ना कि आपका गोल क्या है, तो माशाल्लाह 91 से 92 बंदे का जवाब होता है पता नहीं। कैन यू इमेजिन दैट? इसका मतलब यह है कि गाड़ी है, पेट्रोल है, सड़क है, ड्राइविंग आती है, सब कुछ है, बस पता नहीं है कहाँ जाना है। अगला सवाल पूछता हूँ आप ये करना चाहते हैं क्यों? पैसे आ जाएंगे। तो पूछता हूँ पैसे क्यों कमाने हैं? क्योंकि वो चीज़ें आ जाएंगी। मैंने कहा वो चीज़ें कम आ जाएंगी तो क्या होगा, क्या फील होगा? पता नहीं। 4 सवाल आप किसी से क्यों के कर लें, वाइज पूछ लें, वो चौथी वाई पे फंस जाएगा। अगेन उसको क्लैरिटी नहीं है। मर्द को कौन आज के, मैं फिर वही बात है, 35 से 40 साल के मर्दों की क्लैरिटी का लेवल पूछ ले क्या है। सर जब आपको लैक ऑफ क्लैरिटी इतना है और आपको पता ही नहीं है आपने जाना क्या है, तो आप तो सारे रिसोर्सेस हो। आपने बड़ा अच्छा एक पॉडकास्ट में सवाल पूछा कि भाई हमें इस वक्त एक डायरेक्शन की ज़रूरत है पाकिस्तान के लिए। सर वो पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि 92% डायरेक्शनलेस लोगों से भरा हुआ है। वो किस डायरेक्शन में जाएगा? पहले उनको तो डायरेक्शन मिल जाए। जो उन लोगों की कलेक्टिव डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन मुल्क ये पकड़ेगा ना। स्कूलिंग पे लास्ट पॉइंट कह लूँ, स्कूलिंग में ए लेवल्स के बच्चे को जो मर्जी यूनिवर्सिटी कह दो और जो मर्जी कह दो कि फलानी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसको लैक ऑफ क्लैरिटी, उसको खुद तो पता नहीं है मैंने ज़िंदगी में जाना क्या है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, मुझे उससे क्या मिलेगा, मिल जाएगा तो क्या होगा, मिलने के बाद हम क्या करेंगे, ये तो क्लैरिटी है ही नहीं। क्योंकि सारी आवाम एक काम कर रही है इसलिए बाकी भी ये काम कर रहे हैं। हम वही कौम है ना सर जो एक प्रियस आई थी तो फिर सबने प्रियस ले ली, मंकी सी मंकी डू है। हाँ जी, वो लाई लग कौम है हम, सॉरी मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन हम क्योंकि सोचते ही नहीं है, हमें डायरेक्शन ही नहीं पता हमने कहाँ जाना है, हमें किसी चीज़ का मैं पूछता हूँ पर्पस क्या है, मकसद क्या है, ब्लैंक। एक बंदे नू मकसद नहीं पता, एक बंदे नू पता ही नहीं मैं जाना किथे, एक बंदे नू ऐ भी नहीं पता कि राह केड़ी लैनी है, क्योंकि जदों डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो रास्ता की लवोगे, तो वो तो स्टक है ना। अब आप इस स्टक आवाम से चाह रहे हैं कि मुल्क बेहतर कर दे, कैसे? तो मेरा पूरा नैरेटिव यह है कि जब तक आवाम बेहतर नहीं होगी इन 5 लेवल्स पे, ये मुल्क कभी बेहतर नहीं होगा, जो मर्जी हुक्मरान ला के लगा दे। इसके सर एक्चुअली मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, और ये टाई बैक करता है टू जो पहले हमने बात की कि मकसद आप अपनी ज़िंदगी का तब निकालो जब आपके पास नंबर 1 टाइम हो कि आप बैठ के सोच सको कि मकसद है क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है मकसद निकालना आसान काम तो नहीं है, उसके लिए काफ़ी आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। ओनली पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू फाइंड योर पर्पस सर, बेशक, बट वही बात होगी कि इट इज़ मच ईजियर कि मैं घर जाके ना नेटफ्लिक्स देख लूँ, यस, एज अपोज टू कि मैं बैठ के सोचूँ कि अच्छा यार अब हम यहाँ क्यों हैं और मैंने क्या करना है। ये टफ सवाल है। एंड सेकेंडली एक बहुत बड़ा पार्ट आई थिंक अपनी पर्पस का होता है कि जब आप यू गो आउट इनटू द वर्ल्ड और आपका कुछ एक्सपीरियंस होता है, आप चीज़ें देखते हो, फील करते हो, आपके साथ वाक़यात होते हैं। पर जिस तरह पहली पॉडकास्ट भी हमने डिस्कस किया था कि एक इंसुलर सोसाइटी हमने बना दी है, ख़ास तौर पे स्कूलिंग के अतबार से, कि बच्चा जो है वो पहले स्कूल जाएगा, फिर उससे यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ पे उसको एक लाइन पे लगा दिया जाता है कि यार तुमने ये ही करना है और तुम्हारी ज़िंदगी का यही मकसद है। एंड आप क्योंकि डील भी करते हैं बच्चों के साथ, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह उनको नज करते हैं सही डायरेक्शन में? यानी एक बच्चा जो आ रहा है, मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैं यूनिवर्सिटी में था कि मैंने इंजीनियरिंग की फ़ील्ड पिक कर ली, क्यों पिक की, क्या करना था, वो कुछ आइडिया नहीं था बस। एक्चुअली इसका मैं जवाब दे देता हूँ, जो डीलर होता है ना वो रिफ्लेक्टर होता है। बेसिकली हर बंदे को प्रॉपर्टी डीलरी करनी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह है कि कोई डीलर मर्जी से नहीं बनता, ज़िंदगी आपको यहाँ पहुँचाती है और आप ढेर सारे पैसे कमा लेते हो। और फिर ज़िंदगी का मकसद पूरा है तो पैसे कमा के, है ना। जिशान भाई सब झूठ बोल रहे थे अभी तक, बेसिकली पैसा ही हर चीज़ है। अच्छा बात यह है मैं इसका कि बड़ा असल में पर्पस भी सवाल पूछने से पता चलता है। एग्जैक्टली। आप अपने बच्चों से भी सवाल, मैं बच्चों को आप कह रहे हैं डील कैसे, मैं उनको सवाल दे देता हूँ। एक सवाल है व्हाट यू डोंट वांट टू डू बट यू मस्ट जिंदगी में कोई भी चीज़ अचीव करनी हो उसमें हम फंसे होते हैं। सवाल अपने आप से पूछने वाला यह है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए बट मेरा दिल करने का नहीं कर रहा। इसी तरह पर्पस के ऊपर सवाल है। पहला तो है कि व्हाट डू यू एक्चुअली कंफर्टेबली इन अ फ्लो लाइक डूइंग। फॉर एग्जांपल मेरा बोलना असल में स्किल है, सबसे बड़ी स्किल जो मेरे पास है वो बोलना है। नहीं, आपने बड़े अच्छा पॉइंट आइडेंटिफाई किया। एक बात है, मेरी असल स्किल क्या है? बोलना है। अब मुझे आप बना दें एक इंजीनियर और बिठा दें एक प्लांट में और बिठा दें कंप्यूटर के सामने, अब मैं अपनी ना स्किल से अलाइंड हूँ। दूसरा, मेरे कोर में मैंने अपना पर्पस ढूंढा, मुझे 3-4 साल लगे। अच्छा, आपका पर्पस आपके लाइफ पैटर्न्स में भी पड़ा होता है क्योंकि आप अपनी ऑथेंटिसिटी से हमेशा कनेक्ट करेंगे ही करेंगे कहीं ना कहीं। छोटा था तो दादी को 7 अप चाहिए होती थी रोज़ और वो कहती थी ये प्लास्टिक बॉटल नहीं, शीशे की बॉटल में ठंडी और 7 अप वो स्प्राइट नहीं हो सकती। हाँ, उसकी फिज़ ज़्यादा होती है। जो भी था दादी को वही चाहिए होता था, तो मैं जो कहता था दादी मैं ला के देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने दोस्ती यारी में, क्योंकि किसी दोस्त को अगर ज़रूरत होती थी तो मेरे अंदर से उठता था कि नहीं यार मुझे जाना चाहिए। हमारे ख़ानदान में किसी की डेथ हो जानी तो वो जो शामियाने या शादी होनी, तो जो भी उसकी अरेंजमेंट्स होती थी, कौन पहुंचा हुआ है? मैं पहुंचा हुआ हूँ। मैंने असल में एक टाइम पे बैठ के मैं पूरे अपने बचपन से चला और मैंने देखा कि मैं कौन सी चीज़ अपने नेचुरल फ्लो में करता हूँ जो मेरे अंदर से उठती है। वो ये होती है कि किसी को ज़रूरत है, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, और मैं नेचुरली उधर पहुँच चुका होता था। वो चाहे दादी की 7 अप लानी, बेल बजी है, बहन भाई भी हैं, अम्मी अबू भी हैं, सबसे पहले कौन पहुँचा होगा? मैं पहुंचाऊंगा। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर कुछ रखा हुआ है और उसका पर्पस असल में उसके अंदर है। उसने अपने आप को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, तब भी उसको उसका पर्पस मिल जाएगा। उसने अपने आप को सवाल पूछने कि क्यों, फिर सवाल था क्यों यार मैं ये क्यों करता था। दादी को 7 अप चाहिए होती थी, मेरे चाचू के भी 2 बेटे थे, मेरा भाई भी था, मेरे अबू भी थे, मेरे चाचू, मैं क्यों जाता था? दादी ने तो कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, दादी ने तो सिर्फ कहा था कि 7 अप। उससे ओवरऑल हुआ ये कि ज़िंदगी में मेरे साथ मेरी ऐसी ही ज़िंदगी गुजरी है कि जो मसला पै गया तो जिशान को बुला लो, और मुझे नेचुरली मेरे अंदर से ये चीज़ निकलती है। तो मुझे बड़ी लेट समझ आई कि तुम्हारी एक्चुअल स्किल है क्या, तो इसीलिए मैंने टीचिंग फिर करता रहा क्योंकि नेचुरली मेरे पास बोलने की स्किल है और मेरा पर्पस उसके साथ अलाइन होता है। जब ये 2 चीज़ें अलाइन हो जाए ना सर, जितने फुलफिल्ड आप तब फील करते हो, क्योंकि पर्पस फुलफिलमेंट से एक्चुअल ट्रू फुलफिलमेंट मिलती है। मैं हर साल टीचिंग इतनी क्यों कर, हर साल सोचता हूँ कि यार मैं फिज़िक्स कब तक पढ़ाऊँगा। मसला फिज़िक्स नहीं है, मसला ये है कि 400 बच्चा जो मेरे पास आता है हर साल, उसको किसी लेवल पे चेंज करने की जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आती है वो मेरे ट्रू पर्पस से अलाइन करती है। और फिर हर साल ऐसा होता है कि मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, अभी टीचर्स डे गुजरा है तो भी बड़े मैसेजेस आए हैं कि थैंक यू सर, आपने फिज़िक्स नहीं सिर्फ पढ़ाई, आपने ये 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 भी किया। दैट फुलफिलमेंट इज़ एक्चुअली अलाइन विद माई पर्पस। उसी की डेप्थ में फिर मैं NLP में जाता हूँ, उसी की डेप्थ में ह्यूमन साइकोलॉजी में जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ट्रूली आई वॉन्ट टू चेंज अ पर्सनस लाइफ बाई हेल्पिंग देम, राइट। अब ये मेरा पर्पस है, आपका कोई और होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इमरान खान ने, असद भाई को क्योंकि बहुत पसंद है और फ़ैन है वो उनके, तो अगर इमरान खान ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया तो उसके पीछे भी एक पेन छुपी थी ना कहीं। बाज़ दफ़ा हमारी पेन्स भी हमें हमारे पर्पस पे ले जाती हैं, ठीक है। तो वालदा का वो कैंसर, आज मैं बहुत सारे लोगों को, और मैं इसलिए एक और चीज़ भी कहता हूँ कि लोगों को लगता है कि पेन बड़ी बुरी चीज़ है, पेन आपकी दोस्त होती है, पेन मोटिवेटर होता है बहुत बड़ा, मोटिवेटर से ज़्यादा वो आपको अपने आप के अंदर ले जाता है। जब इंसान खुद अपने अंदर नहीं ना जाता तो अल्लाह आपको पेन दे के आपके अंदर ले जाता है, ये भी उसकी रहमत होती है। अगर डीपली हम सोचें तो जब हम खुद अपने अंदर जाने को तैयार नहीं होते तो अल्लाह ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाता है जिससे आपसे तकलीफ़ होती है। अल्लाह आप क्या चाह रहा है, घुसो, जवाब सारे हमारे अंदर ही हैं, लेकिन हम ढूंढ कर रहे हैं बाहर। तो पेन क्या करती है, आपको थोड़ा सा सॉलिट्यूड में ले जाती है। जब जब पेन आई इंसान ने क्या किया, उसको अलग होना चाहेगा, वो चीज़ों को सोचना चाहेगा, वो अपने अंदर जाएगा। जब वो अपने अंदर जाएगा उसको सवालों का जवाब मिलेगा, सवालों का जवाब, और उसके साथ अगर आपको उस्ताद मिल जाए ना सर, तो कमाल हो गई। क्योंकि जब आप अंदर जाते हो और सवाल उठते हैं और सवाल उठते हैं और सवाल उठते हैं, उन सवालों के जवाब के लिए आपको उस्ताद सिर्फ ये बता रहा होता है कि इसका जवाब वहाँ देखो पड़ा, वहाँ देखो पड़ा, वो आपको जवाब नहीं देता। उस्ताद आपको जवाब देने के लिए नहीं है, उस्ताद आपको आपके अंदर के जवाबों से कनेक्ट करवाने का काम करता है, वो डायरेक्शन देता है आपको कि वहाँ देखो वो पड़ा हुआ जवाब। NLP में भी टोटल प्रोसेस ही है, मैं किसी के अंदर से नहीं कुछ निकालता, वो खुद अपने अंदर से निकाल देते हैं। मैं सिर्फ उनको बता रहा होता हूँ वहाँ देखो, वहाँ अगर उसकी जगह ये कर लें तो क्या ख्याल है। फैसला इंसान खुद कर रहा होता है, लेकिन वो पड़ा कहाँ हुआ है, इस दिमाग में, इस दिल में, कहीं अंदर। घुसना अंदर पड़ेगा, हम बदलेंगे, हमारा घर बदलेगा, हमारा घर बदलेगा, हमारी सोसाइटी बदलेगी, हमारी सोसाइटी बदलेगी, हमारा शहर बदलेगा, हमारा शहर बदलेगा, हमारा मुल्क बदलेगा। मैं इस नैरेटिव में बिलीव करता हूँ। सिस्टम जिस पे आप बात करना चाहते हैं मैं उस पर नहीं आऊँगा, यानी कि एक और पॉडकास्ट है। जिशान भाई इन अ नटशेल कहते हैं बात को राउंड अप करने के लिए, एक तो हमने आपने बड़े अच्छी तरीके से मेंटल हेल्थ के क्या क्या फैक्टर्स हमें अफेक्ट कर रहे हैं, 5 की चीज़ें क्या हैं अपने आप को खुश रखने के लिए, और माशरे के तौर पे आपने कहा है कि टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप इफेक्ट है कि इंडिविजुअल ब्रिक जो होती है वो मैटर करती है बिल्डिंग की स्ट्रेंथ में। की बात कर रहे हैं ऐसी है, ईंट में ही स्ट्रेंथ नहीं है, घर स्ट्रांग हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। आप ऊपर जितना मर्जी लेंटर डाल लें, बेस ही स्ट्रांग नहीं है, कहाँ तक खड़ी कर लोगे, वो गिर जाएगी, वो वजन ही बर्दाश्त नहीं कर सकती। सर बड़ा होने के लिए बड़ी जंगें लड़नी पड़ती हैं, बड़ा होने के लिए बड़ा करेज चाहिए होता है, बड़ा मुल्क बनाने के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, बड़ा इंसान ये सारे काम करता है। हम बड़े हैं, मैं कायदे आजम बड़े थे, कायदे आजम के ऊपर जो तारिक साहब की पॉडकास्ट थी मैंने पूरी सुनी, वो बड़े आदमी थे, किस लेवल पे कुर्बानी उनके अंदर क्या था। एक ही तारिक साहब ने पूरी बात बताई, वो बंदा मुल्क बना गया, इंटरनल स्ट्रेंथ, ही डिड नॉट लेट हिज इवन पर्सनल थिंग्स, वो पेन बर्दाश्त करता रहा, उसमें स्ट्रेंथ थी तो बर्दाश्त करता रहा ना सर। आप में अगर फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आप फिजिकल पेन ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, इसी तरह इंसान के अंदर अगर इमोशनल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो इमोशनल मेंटल पेन ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है। तो वो डेवलप करने की भी बात है, उसको जो नॉन ज़रूरी है उसको बाहर निकालने की भी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है उनकी ज़िंदगी सर, 13 से 14 साल की परसिक्यूशन में क्या हुआ, बहुत तकलीफ़ें थी। तकलीफ़ें आती हैं, उसमें अगर आप सही काम कर लें, यानी अपने अंदर घुस के अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग कर लें, अपने खुदा के साथ कनेक्ट हो जाएं, तो फिर अल्लाह क्या देता है, फ़तेह मक्का देता है, फिर सारी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी देता है, फिर 22.5 लाख मुरबा मील के ऊपर हुकूमत देता है, फिर उसी ख़ानदान में से मौला अली और इमाम हुसैन निकलते हैं, फिर ये मिलता है, वो बीज है। देयर इज़ नो पाथ to growth except pain, but you have to not run away from your pain, you have to embrace the pain and learn from the pain. What are we doing? Pain आ गई, मैंने देखना हाय मेरे नाल की हो गया। ये जिशान भाई एकदम से स्विच होता है ना, ठीक है। I think सबको अल्लाह तौफीक दे टू बिकम, जिस तरह हमारी कमेंट्स में किसने कहा था, एक माइंड एडवेंचरर। वो अपने माइंड्स में एडवेंचर पे जाएं और उस एडवेंचर में ऐसे और भी चीज़ें जो माइंड पे एडवेंचर पे लेके जाती है। Getting into yourself is one of the most beautiful journeys you can take. सर चर्च के बारे में नहीं, बट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एंड होपफुली आप अपने आप को इनकाउंटर करते हो इस माइंड एडवेंचर। जंग किसी के साथ नहीं, अपने साथ। जी, me versus me। पहला कदम नफ्स पर, दूसरा जन्नत। एक डीलर था हमारा ऑफिस में जो काम करता था, वो कहता था हैदर भाई सेल्फ वर्सेस सेल्फ की गेम है सारी। You just have to, you really just have to become 1% better from yourself every day. That's it. बेशक। आप अगर अपने कल वाले वर्जन से 1% कल बेहतर हो गए हैं तो क्या क्या है, तो आप 100% बेहतर हो गए। असद कहने लगा था कि हैदर 1000% बेहतर हो गए। मैं कहने लगा था हैदर already believes you're perfect. So what do you do then? Obviously improve करना मुश्किल होता है, कैसे आ सकते? But good luck. Thank you Zishan भाई आपका आने का। Thank you so much. Inshallah hope to shoot a podcast with you again soon. और कमेंट्स में बताइएगा कि और मज़ीद पार्ट 3 में आप क्या देखना चाहेंगे, तो हम उसी लाइन पे। Thank you so much for inviting. It's always fun having this conversation. आधी पॉडकास्ट तो पॉडकास्ट से पहले हो जाती है। वो आपका कसूर है क्योंकि आप मुझे घंटा डेढ़ पहले बुला लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।